Good morning, dear students. Let us now begin exercise 11.2 of 3D coordinate geometry. 11.1 में आपने introductory things complete कर ली थी. अब 11.2 में मैं प्यारे बच्चों आपको मैं अभी कुछ formula. There are four pages. You have to just note down these formulae in your notebook in fine handwriting. 20-25 फॉर्मूले हैं. सारे फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में, बड़ी वाली नोटबुक में आराम से लिखना. आपकी जितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, जितनी अच्छी कलाकारी आप कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले आप लिखना. ठीक है बच्चों, फिर मैं हर एक फॉर्मूले को यहां समझाऊंगा, फिर उसका एक एग्जाम्पल दूंगा उस. ठीक है ना, फिर जैसे एक फॉर्मूला समझा दिया उसका एग्जाम्पल दे दिया, फिर एक फॉर्मूला समझा दिया उसका एग्जाम्पल दे दिया. आप जब वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, उस टाइम वो फॉर्मूले अपने साथ में रखना. ठीक है, फॉर्मूले आप 2-3 फॉर्मूले याद करना, फिर एक्सरसाइज करना, तभी आपको वो फॉर्मूले पूरे होंगे, आपको समझ में आएगा. अदरवाइज विदाउट मेमोराइजिंग दीज फॉर्मूले देर इज नो यूज ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोज. आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, नील बट्टे सन्नाटा रहेगा, पूरा कंफ्यूज रहेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, 100% आपको समझ में आएगा. ये चैप्टर 3D वाला काफी बड़ा वाला बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है. JEE मेंस में, एडवांस में, NDA वगैरह में इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं. CBSE में 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है. सारी चीजें अच्छे से कराऊंगा, सिर्फ आप मेरा कहना मानो तो आपको सब समझ में आएगा. ठीक है, हाँ, एक बार आपको लगेगा, आधा घंटा मिनिमम लग जाएगा आपको फॉर्मूला लिखने में. नोटबुक में फॉर्मूला लिखे होंगे, आप उसको मैच करते रहना, मैं समझाऊंगा आपको. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा, तो ये अभी फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं. ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों में बाद में समझाऊंगा, जस्ट नोट ऑफ दिस फॉर्मूले. ये लिख लो, आप वीडियो को स्लो मोशन में कर दो, एक एक करके लिखते जाओ, पॉज कर लो बीच में जरूरत पड़े तो. ये 11.1 के हैं, जहां आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा, पॉज कर लेगा. एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे. इलेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज, ये प्रॉब्लम मैंने टाइप करके लिख लिया है. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, दोनों लिख लो. सारे लिखना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, इट्स वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, जस्ट कॉपी डाउन. एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, conditions if the lines are perpendicular to each other and if the lines are parallel to each other, these are the conditions. आपको लिखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बाद में बड़ी मदद मिलेगी आपको. डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, द लाइन्स आर गिवन इन वैक्टर फॉर्म, तो डिस्टेंस डी ये होगा, एंड इफ द लाइन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म, डिस्टेंस विल बी दिस वन. देख रहे हैं, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सुंदर से सुंदर आपके जितने बेस्ट, जितना बेस्ट आप लिख सकते हैं, जितना फाइन लिख सकते हैं उतना लिखिएगा. नाउ फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 11.3 दैट इज प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेडिंग नंबर 1 में मैंने प्लेन का इक्वेशन रखा है, इसको मैंने 5 भागों में बांट दिया. पार्ट ए कैपिटल ए, नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, अलग अलग कंडीशंस है, कार्टेशियन फॉर्म. नाउ पॉइंट बी पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर,
एन। बी के भी दो पार्ट्स, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। सी पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन हियर। हर एक पार्ट के दो भाग है, पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन वेक्टर फॉर्म, पार्ट टू इज कार्टेशियन फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म डी में, ई में पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। एंड पॉइंट नंबर टू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, एल डी एम डी एन डी। पॉइंट नंबर थ्री, कंडीशंस फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, वेक्टर फॉर्म लाइन्स वेक्टर फॉर्म में यह कंडीशन है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल जीरो। ये मैं आपको समझाऊंगा, आप लिख लो पहले, बिना दिमाग लगाए लिख लो। कार्टेशियन फॉर्म या तो ये कंडीशन होगी, बिटवीन टू कोप्लेनर इज टू लाइन्स डिस्टेंस इज जीरो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म होस्टेड रही होगा। इतने सारे फॉर्मूले देख के आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर उसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, हर एक फॉर्मूले का एक एक एग्जांपल। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एन वन एन टू, एन वन डॉट एन टू जीरो, और ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल जीरो। टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर नॉर्मल्स आर प्रोपोर्शनल। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम गिवन प्लेन। दो कंडीशंस, दो फॉर्मूले, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म दे रखा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये भी कर सकते हैं आप। नंबर सिक्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन, दैट इज साइन फाइ, लिख लो फटाफट। नंबर सेवन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, इफ द प्लेन्स आर गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द फॉर्मूला, लिख लिया आपने, वेरी गुड। पहला पॉइंट शुरू करते हैं, स्लो मोशन में शुरू करते हैं। लाइन का हम अगेन करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें एक्सरसाइज 11.2 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला कंडीशन, थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ठीक है। लाइन थ्रू का स्पेलिंग में शॉर्टकट मार रहा हूं, थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर बी। देखो, कोई भी चीज का आप इक्वेशन निकालते हैं, जिस लाइन का इक्वेशन निकालते हो, लाइन शुड बी यूनिक, मतलब अब ये वो लाइन है, मान अब ये लाइन फिक्स, ये 3D में लाइन फिक्स होगी, ये लाइन हिलनी नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होगी। यहां दो कंडीशन दी होगी, 11th क्लास में तो हर बार दो कंडीशन दी, स्लोप दिया था, इंटरसेप्ट दिया था, या दो पॉइंट दिए थे, तो लाइन फिक्स होगी। ऐसा नहीं लाइन ऐसे घूमती रही घूमती रही, एक लाइन फिक्स होगी तो अब वो लाइन हिलेगी नहीं, तो लाइन यूनिक होगी, ठीक है। तो लाइन शुड बी यूनिक कब होगी, जब दो कंडीशंस दी हुई होगी उसके अंदर, ठीक है। अब थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ये बात समझ में, मैं अभी समझ, ये लाल रंग के डंडे को आप लाइन मान लेना, इसकी इक्वेशन पता करना, ठीक है। यहां पर मैं डायग्राम में जो भी होगा, जिस लाइन के इक्वेशन की चर्चा करेंगे वो मैं डॉटेड लाइन ऐसा हूं, ठीक है, डॉटेड लाइन में क्लियर करूंगा। अब क्या दिया है, थ्रू ए गिवन पॉइंट, मैं बताऊ आपको, अब इसको समझना, यहां पे थोड़ा लंबा वीडियो जरूर बनेगा लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। मान लो यहां पे टिप पे कोई पॉइंट है, अब ये पॉइंट ऐसा, ये जो पॉइंट है मार्कर, ये एक पॉइंट है, लाइन शुड टच इट, इसको टच करेंगे, एंड द पॉइंट शुड लाई ऑन द लाइन,
विक्टरी चीज होगी। अब मैं यहां पर मार्क कर देता हूं आपके लिए, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे हिलेगा नहीं, लाइन फिक्स हो गई, ठीक है। चलिए लाइन इस पासिंग टू, मान लो मेरे अंगूठे की जगह वो पॉइंट है, तो लाइन या एक पॉइंट से गुजरी लेकिन लाइन तो हिलती नहीं है, पॉइंट से गुजरे की लाइन तो हिलती जाएगी, समझ में आया। तो थ्रू वन पॉइंट देर आर इंफिनिटली मेनी लाइन्स, ठीक है, तो वो तो बहुत होती है। अब लाइन यूनिक होने लगी, अब इसको फिक्स कर लो। जैसे मान लो एक ये दूसरा एक वेक्टर है, वेक्टर बी, इसको मैं वेक्टर बी ले लूं, तो लाइन इसके पैरेलल हो। एक तो ये लाइन इस लाइन शुड पास थ्रू गिवन पॉइंट, दूसरी बात ये इसके पैरेलल रहना चाहिए। अब इसके पास कोई चारा नहीं, लाइन हिल जाए, अगर लाइन ऐसे हो गई तो इसके पैरेलल नहीं रही, ठीक है, और पॉइंट से भी पॉइंट भी फिक्स हो गया, तो लाइन शुड बी यूनिक। अच्छा, अब आपको क्या होगा, पैरेलल वेक्टर देगा और जो पॉइंट लाइन और द लाइन उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे, ठीक है। तो ये हम इसको समझना, सारी चीजें समझना, सिर्फ रटाफिकेशन नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, अब मान लो हमारी लाइन, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, लाइन जा रही है, दिस इज लाइन एल, इसकी इक्वेशन की हम चर्चा करें, इसकी इक्वेशन का हमें पता करना होगा। तो एक तो पॉइंट इस पे देगा, पॉइंट विल बी गिवन टू दिस, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ए दे रू, ए दे दू किराम जो दे रहेगा, पॉइंट ए दे रहेगा, दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड, ये समझना सारी चीजें, आपके पास फॉर्मूला तो है, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा भी है, ठीक है, ओके। अब कोई भी चीज का इक्वेशन चाहिए हमें, एक्स वाई जेड भी चाहिए ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए, लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस, पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों, आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोमा वाई कोमा जेड एज्यूम करना होगा, टू डी में एक्स वाई, ठीक है, और अदरवाइज थ्री डी में एक्स वाई जेड एज्यूम करना होगा। आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लो, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, मैं पहले चर्चा करूंगा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखाऊ, फर्स्ट आई विल डेराइव द इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। तो ये लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ए, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है। अच्छा, अब पैरेलल वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर विच इज पैरेलल रेडियो वेक्टर, बी बी वेक्टर दिया है, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये लाइन एल और वेक्टर बी पैरेलल टू ईच, ये बात समझ आई। अब मैं थोड़ा अगर बात करूं, एपी एन पैरेलल है, यहां पे देखिएगा एपी, एपी वेक्टर एपी कौन था, एपी पैरेलल टू, एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देयरफॉर एपी इक्वल टू लैम्डा बी, ये आपने पढ़ा था, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल ईच अदर देयर मींस, जब ए पैरेलल टू बी तो ए इक्वल लैम्डा बी या बी इक्वल लैम्डा है, समझ में। अच्छा, मैं थोड़ा डेरिवेट करूं, बाद में डेरिवेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। नाउ इस नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एओपी, ये इस पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर है, ए क्या है, ए क्या पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए, जो ये ए है इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर ए क्या होगा, तो यहां पे ये वेक्टर ही है और ये वेक्टर आर है, ये आप चीजें समझना, स्किप मत करना। यहां पे मैं फिर बताऊंगा, आर इक्वल टू ए, ये क्या है, ए प्लस एपी, आर इक्वल टू ए प्लस एपी, ये बात समझना है आपको, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R इक्वल टू ए प्लस एपी, मैं इधर डायरेक्शन दे दू, R इक्वल टू ए प्लस एपी, ये बात समझ में आया, ठीक क्या है बच्चा, लेकिन एपी क्या है, लैम्डा बी, सो R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब आपको मैं दो तीन चीज और बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, किसी चीज को घर पर
किसी चीज से घबराना नहीं, सुनना। हाँ, आपके पूरे 3D में जहां जहां वेक्टर आर आएगा, इस आर का मतलब होगा एक्स आई। देखो आर का, अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई लू, एक्स वाई जेड ले लू, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी आर क्या है? दिस इज आर, नथिंग बट दिस इज ओपी, ओपी ओपी इक्वल टू आर, ठीक है। तो जहां पे भी आर लिखेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, यानी किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, तो आर जहां भी आएगा आप एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये बात समझ में रखिए, वेरेवर वेरेवर एंड व्हेनेवर यू फाइंड आर, उसका तात्पर्य होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड जे के वेक्टर होगा, एक्स वाई जे उसके स्केलर कंपोनेंट होंगे, समझ में आया, या एक्स वाई जे उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, समझ में आ गई बात। तो आर यहां जहां कहीं भी हो सकता, आर का मतलब आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये ए का पॉइंट क्या, ए का व्हाट इज ए, ए क्या था, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ठीक है। तो अगर ये मैं ज्यादा देखो मित्रों, ये आपको समझ में, इसको लिख लो, यहां लिख लो क्या समझ, लिखा था आपके पास है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में आप बोलोगे सर हम फॉर्मूले याद कर, हमें समझ आ गया, अभी बोलोगे तो मैं अभी ये ज्यादा जगह की कमी, इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा बी क्या है, बी इज एनी वेक्टर, पेरेंटली बी को मैं क्या बोलूं, वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, वही होगा बी, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, मैं आंसर सी, ठीक है, या ए आई बी जे सी के होगा, कुछ भी होगा, वेक्टर बी ए आई बी जे सी के कोई भी होगा, मे बी टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के हो सकता है, वेर ए बी सी, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, ये बात समझ में आ गई। जहां पे मैंने बोला बी इक्वल जैसे बोला टू आई माइनस जे प्लस फाइव के, ठीक है, तो यहां पे क्या इसके डीआर क्या है, टू माइनस वन फाइव, टू माइनस वन फाइव, ये समझ में आ गए। अच्छा अभी मैं वो समझा, काफी चीजें इसमें समझ ही हो गया, तो ये हो गया। अब ये तो होने को दिक्कत है, तो आप आर की जगह आप लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, देन वेक्टर ए क्या है, ए हमारा है, ए क्या चीज है, एक्स वन आई पोजिशन वेक्टर हो ए, इस पॉइंट ए का पोजिशन आपके बगल में लिख रखा है, लिख रहे आपने रिस्ट खोलिए क्या है, एक्स वन आई, एक्स वन आई वाई वन जे के प्लस जेड वन के, समझ आया, ये बी क्या था, व्हाट वाज योर बी, बी था ए आई बी जे सी के, बात समझ में आई, ए बी सी आर डी आर हो गए, ठीक है, ए बी सी क्या है, आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, वेक्टर बी के। अब एक और चीज मैं बोलूं, पैरेलल लाइंस विल हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोस, सेम भी हो सकता, जैसे इसके डीआर बी सी तो सेम होता है, इसके डीआर मान लो 2 3 4 है, और इसके डीआर भी 2 3 4 होगा, या डबल कर दो 4 6 8 होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स या पैरेलल लाइंस का सेम होता है, ठीक है, सेम बोलो या प्रोपोर्शनल बोलो, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। तो अब कोई बोलेगा इस ये वेक्टर के डीआर एबीसी है, तो लाइन के डीआर डीआर भी एबीसी होगा ना, लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है, डीआर से डीआर को हम उसमें सिंपलेस्ट टर्म में लेते हैं, जैसे इसका हो गया 2 3 4 हो गया, ये वेक्टर का, वेक्टर बी का, तो लाइन का भी वही होगा 2 3 4, इसको डबल करके 6 4 6 8 करेंगे, नहीं वो हाँ हो सकता 4 6 8 बोल सकते हैं, इक्वल है वो भी चलेगा। तो कोई बोलेगा डायरेक्ट डीआर ऑफ लाइन, वो उसका मतलब वही होगा डीआर ऑफ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये चीजें आपको
पूरा समय मांगो। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पूरा समय लोग पहुंच करके एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट गए, इसके अंदर कंपोनेंट है आर इक्वल ये होगा मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन, इट इज दे आर द क्या हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन, ये गिवन पॉइंट है और ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट, बी इज द पैरेलल वेक्टर ए बी सी उसके बी के डी आर है। अब ये सब चीजें आप इस इक्वेशन वन में डालिए, आर ए एंड बी का वैल्यू आर ए एंड बी के इक्वेशन वन में डालिए, आपको क्या मिलेगा, चमत्कार मिलेगा। आर को मैं यहां लिख दूं यहां से बता क्या मिलेगा, ये देखो है एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल टू ए प्लस बोलो ये वाला एक्स वन वाई वन है एक्स वन आई वाई वन जे कैप है ये जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ये बात समझ आ रही है, ये ए मैंने यहां रख दिया है आर मैंने वहां रख दिया है ठीक है ना, ए का वैल्यू या ऐसे समझ लो एक आर का वैल्यू यहां रख दिया ए का वैल्यू यहां रख दिया, अब लैम्डा इनटू बी कौन ये वाला ए आई बी जे सी के ए आई बी जे प्लस, ये बात समझ आया आपको, हाँ यहां पे काम करेंगे आप ये काम कर सकते हैं, आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ ये वाला ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स वन आई, तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई के सफर मारा एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई के हो जाएगा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है देखिएगा, चलिए यहां मैंने कर दिया आपको ये वाली चीजें, ये वाला उधर ले जाके मैंने आई के कॉमन ले लिया एक्स आई माइनस एक्स वन आई पास पास ले लिया एक्स माइनस एक्स वन फिर उधर आई केप कॉमन, सिमिलरली जे केप कॉमन एंड के केप कॉमन, अब ये टू वेक्टर सारी इसका ब्रैकेट खोल दिया लैम्डा इनटू ए आई लैम्डा इनटू बी जे प्लस लैम्डा सी के, अब आप सोच रहे क्यों खोला कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इसी फॉर्मूले को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताना चाहता हूं ठीक है, तो जब दो वेक्टर इक्वल है दैट मींस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई केप एंड जे केप के केप मस्ट बी इक्वल, इसको इसके बराबर कंपेयर करेंगे एक्स माइनस इंप्लाइज दैट x minus x1 equal to lambda a, y minus y1 equal to क्या lambda b होगा, z minus z1 ये होगा, z minus z1 equal to lambda times c, अच्छा अब इसको a से डिवाइड करो, इसको भी b से डिवाइड करो, इसको c से डिवाइड करो क्या होगा, इंप्लाइज दैट x माइनस x1 by a वन लैम्डा, बात समझ भाई, y माइनस y1 by b वो भी लैम्डा विजिबल, z माइनस z1 by c दैट इज ऑल्सो लैम्डा, मैं देखता हूं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, विजिबल है या नहीं है, अभी थोड़ा विजिबल नहीं है, चलिए नाउ विजिबल क्लियर है, x माइनस x1 by a लैम्डा, y माइनस y1 b by b लैम्डा, Z में Z1 by C वो भी लैम्डा, मतलब इसको इक्वेशन वन माने इसको टू माने इसको थ्री माने, ये सारी चीजें ये वाला और ये वाला ये सारे इक्वल ही तो है, ये सारे इक्वल ही तो है, तो दैट मीन वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस सर्कल वाला क्वालिटी इक्वल दिस सर्कल वाला दिस सर्कल वाला गोला इक्वल टू गोला इक्वल टू गोला ठीक, ये मैं अभी आपके बुक में दिया रहा मैं मिटा रहा हूं ठीक है, तो इन तीनों सर्कल के अंदर जो क्वालिटी है मैं इनको इक्वेट करना चाहता हूं ठीक है, चलिए मैं या आप इसको पहले कॉपी कर लो अगर किसी करना है तो, फिर मैं यहां लिखना चाहता हूं यहां पे ये तीनों सर्कल वाली क्वालिटी आई राइट कुल मिला के देयरफॉर आई कैन राइट एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये बात समझ में आई, this is the equation of this line in the cartesian form, cartesian form mein ye equation hai, ab ye cheez kyunki equal hai na this equation of samajhna zyada zaruri hai, jahan pe wapas dekhiye x1 y1 z1 given point hai which lies on the line
क्या है ए बी सी, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो जो पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर बोलो, डायरेक्शन रेशियो जो गिवन लाइन बोलो, ये बात आपको समझना आनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी आर ऑफ पैरेलल वेक्टर बोलो या लाइन के डायरेक्शन बोलो, यहां पे फिर आपको मैंने समझा रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन एंड ए बी सी ये है डी आर ऑफ लाइन बोलो या पैरेलल वेक्टर के बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप अभी इस गिवन वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो, दो फॉर्मूले बाकी आपको मारो वो नहीं, ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो, एक तो ये वाला आपको यहां पर लिखा होगा आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, दूसरा वाला एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल है। अब आप सोच रहे ये कैसे इक्वल जिनमें दो बार इक्वल का निशान है, 3D का मामला भाई, 2D में एक आता है 3D में दो आएगा, ठीक है ना, दो इक्वल होगा, ये आप लिखो ठीक, जस्ट कॉपी डाउन, उसके बाद में आपको एक एग्जांपल कराता हूं। हाँ अगर एक चीज और बिफोर वी स्टार्ट एनी एग्जांपल, एक और चीज हूं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो अब ये कोई नंबर है, जैसे मान लो मैं बोलूं यहां पर कोई सीन लिख दिया 3 6 9 तो पूरे को हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, समझ में आया, जैसे मान लो x माइनस 2 बाई वाई प्लस 3 बाई एंड जेड माइनस 6 बाई, बाई अगर किसी ने लिखा 3 6 9 तो वी कैन डिवाइड बाई 3, तो इसको 1 2 3 भी लिख सकते, 1 2 3 लिख सकते, यानी किसी सेम नंबर से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो डी आर तो क्या यूनिक होता है ना। तो यहां पे अगर इस ए बी सी की जगह अगर डी सी लिखे तो भी आपको डी सी दैट गिवन तो भी आपकी इक्वेशन वो हो सकती है, यानी डी सी दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स वन बाई एम वाई माइनस वाई वन बाई एम जेड माइनस जेड वन बाई एम, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, इफ डी सी दैट गिवन डी सी या ठोक दो या उसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर, या तो मैंने आपने लिखा हुआ फॉर्मूले में अपने नोटबुक लिखा हुआ, ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दी, लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्या कहते हैं एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6 फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू थ्रू पॉइंट एंड लाइन थ्रू, यहां लिख सकते लाइन थ्रू, लाइन थ्रू को कर दो line through 5 to minus 4 and parallel to vector 3i plus 2j minus 8k इस पॉइंट से गुजरने वाले, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या, आप देखो वेक्टर इक्वेशन पूछा पहले तो ये वाला, तो इसमें आपको देखो r कुछ नहीं करना, r तो चाहिए, r का मतलब ये मत बोलना कि मैं x क्या y क्या, वो कुछ नहीं, r इक्वल टू r ही रहेगा। तो आपको दिया हुआ क्या है, we have ये कौन है, this is x1 y1 z1, तो ये कौन है, What is this? A. तो A equal to इस A क्या है? Position vector of given point. इस point का position vector क्या हो गया? 5y plus 2j minus 4k. जिन बच्चों ने vector नहीं पढ़ा, vector algebra, वो इस line को अभी मत पढ़े. वो आपको इस 3D वाला chapter कुछ भी समझ में आएगा. नील पट्टा सन्नाटा रहेगा. Please go through vector chapter first. तो this is 5y plus 2j. 5i plus 2j minus 4k वेक्टर a ये होगा, ठीक है। a इधर आप जब फॉर्मूले रिवाइज करते हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी मीनिंग ऑफ एवरी वेक्टर, a क्या है, b क्या है, इसमें a b c क्या, x1 y1 z1 क्या, ठीक है। a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, b इज द पैरेलल वेक्टर, a b c इसके नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पैरेलल वेक्टर एंड एक्स वन वाई वन जेड वन द पॉइंट लाइन ऑफ द लाइन, ये कौन है, पैरेलल टू द वेक्टर, ये कौन है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है।
तो हमारा पहले वेक्टर फॉर्म बोला, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला डाल दो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, इंप्लाई दैट आर इक्वल टू ए को ये पढ़ा फाइव आई टू जे माइनस फोर के प्लस लैम्डा टाइम्स कौन है ये थ्री आई प्लस टू जे माइनस एट के, दिस इज द आंसर ये बोल। अब कई बच्चे बोलते सर लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा, कुछ मत रखना, दिया ही नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है लैम्डा प्रेजेंट रहेगा और आर का कुछ नहीं है, आर आर ही है, ठीक है, दिस इज आंसर और वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गया, वेरी गुड, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब मैं आपको बहुत कुछ चीजें समझाऊंगा, इसका करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, सी ए आर की कार्ट फॉर्म, कार्ट फॉर्म में आपको कुछ क्या चाहिए, एक्स वन वाई वन जेड वन पढ़ा ना, एक्स वन वाई वन जेड वन, वो तो वही पॉइंट है, आपके पास क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है प्राणी फाइव टू माइनस फोर, एंड ए बी सी क्या है, ए कौन है बी कौन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर ये पढ़ा क्या होगा, ए कितना है ए थ्री बी टू एंड सी माइनस एट, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन फॉर्मूला लिख लो, ठीक है इक्वेशन इज एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, यहां आ जाएगा बाई ए वाई माइनस वाई, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना बाई सी, एक्स ये मत बोलना एक्स का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू होगा तो ए ए का भी चाहिए बी का भी चाहिए सी का चाहिए एक्स वाई वन जेड वन का, तो सारा एक्स का भी, तो फिर कुछ एक्स वाई जेड के बिना इक्वेशन कैसे बनेगी यार, सारा मत मानना, तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन कौन ये पढ़ा फाइव, ठीक है वाई माइनस ये पढ़ा टू, जेड माइनस 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 फोर, अब ए बी सी कहां से रहो ये पढ़ा तीन दो तीन दो माइनस आठ, याद है मैं भी देखू कि गलती तो नहीं हुई, थ्री टू मैं ये दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये बात समझ में आ रहा, अब इसमें आपको पसीने छूट रहे होंगे, मैं बताऊं डरने की कोई जरूरत नहीं, इनको मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूं आगे आपको परेशान नहीं, ये और ये एक ही माया प्रभु, प्रभु के रूप अलग है, ये भी भगवान है ये भी भगवान है, कोई उसको अल्लाह बोलता कोई खुदा बोलता कोई गॉड बोलता कोई ईश्वर बोलता, ठीक है एक ही माया प्रभु, एक ये और ये सेम लाइन है, हम इसको इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, यहां पे पॉइंट क्या है जो एक्स माइनस एक्स वन कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स वन बराबर माइनस फाइव, एक्स वन इक्वल टू फाइव है ना, वाई माइनस वाई वन तो माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का टू, वाई वन इक्वल टू टू हो गया ना, एंड ये क्या है उल्टा साइन होगा माइनस जेड वन इक्वल टू फोर, तो जेड वन इक्वल टू माइनस फोर, समझ में आया, तो लाइन देख करके बता सकते हैं कि इस लाइन पर पॉइंट कौन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द लाइन, समझ में आया इस लाइन में पॉइंट कौन है पांच दो माइनस चार, ये थोड़ा समझना, वी कैन टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन या कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज पांच दो माइनस चार, पॉइंट है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है तीन दो माइनस चार, बात समझ में आई, अभी समझो समझो इसको, सारे चीज समझना जरूरी है, ऑलराइट ठीक, इसको देख के बता सकते हैं क्या, कैन यू टेल द पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्योंकि पॉइंट का पोजिशन मिल रही है, यहां सीधा देखो पांच दो माइनस चार पॉइंट ऑन द लाइन, यानी ये किस, ये जो वेक्टर है ये पोजिशन वेक्टर किस पॉइंट का है, पांच दो माइनस चार, यहां से नहीं बोला पांच दो माइनस चार, समय माया इधर साइन जो देख रहा प्लस का देख रहा प्लस का ही है, प्लस का पांच प्लस का दो माइनस का चार, यहां उल्टा होगा क्योंकि फॉर्मूला है ना, अच्छा अब
इसको देखा तो इसके डी आर क्या 3-2-8 है, इसके डी आर लेमना के बगल में जो ब्रैकेट उसमें घुस गई, घुस गए 3-2-8। देखो कंपेयर करना, थक गए हो तो इतना ही देखना ठीक है ना, उसके आगे ज्यादा चीजें मत पढ़ा, कंपेयर करना। यहां से देख के आप बता सकते हैं कि बी आर टू द लाइन 3-2-8, इसको देखना, इसको डिनोमिनेटर देखना, D4 डिनोमिनेटर D4 dr डायरेक्शन रेशियो, याद रखना इसके नीचे वाला dr होता है, इसके नीचे कुछ है तो dr का खा होगा ठीक है। तो पॉइंट अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम कोई लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसका उल्टा भी कर देंगे ठीक है। आगे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई एम गिविंग यू लाइन, आप उसको कार्टेशियन वेक्टर में, वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट, ठीक है। पहले वेक्टर फॉर्म लूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसका उल्टा भी करना ठीक, अभी जरूरत नहीं है, हैं बता दिया ना। इस लाइन में पॉइंट कौन है 5-2-4, इस लाइन में dr क्या 3-2-8, कार्टेशियन में यहां देखना पॉइंट क्या है 5-2-4, dr या 3-2-4 ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसको उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आगे बहुत सारी चीजें होंगी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या तो कहीं कहीं होगा डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो वहां दो दो फॉर्मूले होंगे, लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लाइन कार्टेशियन में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। हम कई बार दो दो फॉर्मूले याद होते नहीं, लेकिन हमें यार पता है कि यार मेरे को अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में तो मैं डिस्टेंस पता कर लूंगा, तो हम गिवन लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वहीं पे भी हमारा आंसर सेम आएगा ठीक है, तो हमारी मेहनत कम पड़ेगी। तो मैं अभी चलिए आई विल जस्ट गिव यू लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जस्ट कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, फिर आगे बढ़ते देखते हैं। कन्वर्ट ए लाइन इज गिवन आर इक्वल -3i + 5j - 6k + λ × 2i + 4j + 2k इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पे सबसे पहले करेंगे पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन इज कौन है, ये वाला सीधा -3, 5 और -, ये लाइन है जो वेक्टर ए है ना, ए प्लस ए के पोजीशन वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का। एंड डीआरस क्या है, डीआरस क्या है, डीआरस क्या है 2-4-2 ब्रेक की तरफ, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्ट इक्वेशन हमारा होगा x - y - z - ठीक है, x - x1 बोलो दी सीधा, -3 हो गया, y - 5 z + 6 किया हमने, और dr के नीचे छोड़ दो 2-4 दैट इज वेरी इजी 2-4-2 समझ में आया कि नहीं आया, -1 ओके ये 2 है लुक इट इट। अब मैं देता हूं आपको उल्टा, ये दिया है तो वो कर सकता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, चलिए इसको वापस, ये पहले आप लिख लो, कहीं लिख लो और फिर देखना मैं ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और इसी लाइन में ऊपर लिखता हूं वापस, अगर अगेन x + 3/2 y - 5/4 z + 6/2 इसको आप वेक्टर फॉर्म में वापस लाइए, मैं मिटा दूं, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, देखिए क्या वेक्टर फॉर्म होता है r = a + λ × v, तो r = a बोले तो उस पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ द लाइन क्या है, लाइन टू पॉइंट क्या बताइए, यहां से पॉइंट क्या है -3, 5, -3 समझ आया, इसका a क्या है, a क्या बोले, व्हाट इज a इक्वल टू इनका, इसका पोजिशन रख लें तो -3i + 5j - 6 का समझ आया, a = तो ये हो गया -3i + 5j - 6k ठीक है, +λ टाइम, ये बात समझ में आएगी आपको, नहीं आई, a + a
पॉइंट निकालो और पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ये हो गया लैम्डा टाइम्स बी, यानी जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन एस यूज किया उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। सो डी आर टू फोर टू, तो यहां पे मैं लिखू टू आई फोर जे टू के समझ में आया, इसको देखे इसमें कन्वर्ट कर दो और इसको देखे इसमें कन्वर्ट कर दो, काफी मददगार साबित होगा आपके लिए। अब ये आपका हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट कंडीशन फॉर द लाइन इक्वेशनेबल लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, इसको लिख लो। सारी चीजें समझना है, थक गया तो यही रुक जाओ, बाद में देख लेना। अब करिए नेक्स्ट वाला इक्वेशन लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। ओनली दो पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर पड़े उनके आपको कोऑर्डिनेट देखो, लाइन तो यूनिक हो जाएगी ना। मान लो एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है और ये लाइन है, मैंने यहां फिक्स कर दी, दिस इज लाइन। अब ये लाइन यूनिक है ना, तो इधर हिलेगी ना ऊपर हिलेगी। तो अभी दूसरी कंडीशन होगी, पहले बार में एक पॉइंट दिया था और एक लाइन पैरेलल टू बीन वेक्टर, दिस टाइम ही इज गिवन द टू पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द लाइन। अब ये मान लो एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स1 वाई एंड जेड1 था, अनदर पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स2 वाई2 एंड जेड2, तो इसके भी दो फंडे वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो ओरिजिन से मान लो एक पॉइंट है, ऐसा करके मैं अभी डेरिवेशन ही बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बी हो गया, ठीक है, दिस इज द एंड आर कैन बी एनीवेयर वेक्टर आर, वो पोजिशन दैट इज आर्बिट्री वेक्टर, वो यहां हो सकता कहीं भी हो सकता, सिंपल आया यहां देखे यहां बना दो है, दिस इज आर, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए कर दो, या ए माइनस बी कर दो, फर्क पड़ता है, ठीक है। ए माइनस का साइन बाहर, लैम्डा ही यानी कॉस्ट है। पहले वाला क्या था, आर ए प्लस लैम्डा बी, वो बी क्या है, ये बी क्या, ध्यान रखना ए यू टेक। अभी कोई बोलेगा किसको, दो पॉइंट किसी एक पॉइंट को आप ए ले लो, ठीक है। जनरली आपका आंसर तभी मैच करेगा जब आप पहले जो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट लिखा उसके पोजिशन वेक्टर को ए लेना, ठीक है। तो ए एंड बी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, हाँ। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन बिल्कुल सेम पहले वाला, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी था। तो वो क्या था, डायरेक्शन रेशियो, वो दे होगा ए बी सी डी आर से, किसके, तो पैरेलल वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर का इसका डी आर सेम होता है। अब हमें 11.1 में आपने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, और क्या था, एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी डी आर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन था ना, ये ए हो गया ये बी, समझ आया। तो ए बी सी की जगह ए की जगह ये लिख देंगे, आई कैन राइट एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो। तो पहले वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ये ए था कार्टिंग ऊपर न्यूमरेटर एक्स माइनस एक्स वन बाई ए था, तो ए की जगह एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझ लो। लिखा आपके पास, सिर्फ समझना ज्यादा जरूरी है। अब हम बढ़ते हुए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसको डेरिवेशन में बताओगे आप क्या, आपको क्योंकि बहुत पक जाओगे। एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल सेव करते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस वन जीरो टू एंड थ्री फोर सिक्स, ये करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के पोजिशन वेक्टर चाहिए। तो देयर आर टू पॉइंट्स, पहले पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या है, इसका क्या होगा, तो यहां पे हमें करेंगे वी है ए इक्वल टू क्या है, माइनस आई जे के यानी प्लस टू के, समझ में आया। एंड वेक्टर बी क्या है, दैट इज थ्री आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के, समझ में आया। अब हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए, देयरफॉर इक्वल इक्वेशन इज, देयरफॉर इक्वल वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अब आप चाहो तो बी माइनस ए पहले ही कर लो, पहले ही कर लो, करें बी माइनस ए पहले ही कर लेंगे, तो आपको क्या, थ्री आई माइनस माइनस दिस इज फोर आई
इधर जे है नहीं तो फोर जे के सिक्स के में टू के चला गया फोर के जे समझ आया। तो ये क्या होगा आर इक्वल टू ए कौन है हमारा माइनस आई प्लस टू के प्लस लैम्डा टाइम्स ये देखो बी माइनस ए फोर आई फोर जे फोर के ये हमारा दिस इज द आंसर। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई है कोई डरने की जरूरत नहीं है ओनली बी माइनस ए कर दो ये किसी एक पॉइंट का होगा जनरली फर्स्ट पॉइंट जो दिया ना पहले उसको करना अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं होगा। हाँ अगर आप इसको भी पहला पॉइंट लेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा लेकिन कोई होगा मिलेगा ऐसा इंसान जो आपको नंबर काट लेगा जिसको आधा अधूरा ज्ञान होगा ठीक है नाम नहीं लेना चाहिए ठीक है। अब मैं आपको लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं मैं अगर बोलूं इसी को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करो अगर बोलता है इसका कार्टेशियन कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन या डायरेक्ट भी कर सकते थे पहले कन्वर्ट करके सीखते एक्स माइनस एक्स वन यहां देखो पॉइंट इस अच्छा एक मिनट यहां देख के कैन यू टेल द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट पॉइंट इज माइनस वन कोमा जीरो कोमा टू माइनस वन कोमा जीरो कोमा टू या तो एक्स माइनस माइनस वन क्या हो गया एक्स प्लस वन हो गया ना बाई वाई माइनस जीरो बाई जेड माइनस टू या यहां से देखो ये एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स माइनस माइनस वन वाई माइनस जीरो बाई डायरेक्शन रेशियो। अब बी माइनस ए का डी आर क्या है लेमडा का डी आर यहां से फोर 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 या फिर आप x2 माइनस x1 कर लो दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस या फिर यहां देख लो तो 4 4 वो सब सेम आ गया। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं 4 4 4 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं यहां पे भी 4 कैन बी टेकन आउट i + j + ये भी सही है और आपका x + 1 y1 = y y1 = तो ये आपको समझ में आया। हाँ अगर इसी को बोलता कि आप डायरेक्ट विदाउट राइटिंग वेक्टर फॉर्म कैन यू राइट कार्टेशियन फॉर्म कर सकते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वन कौन है ये माइनस प्लस वन हो गया जीरो हो गया माइनस टू हो गया। अब डीआर क्या एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस माइनस फोर फोर माइनस जीरो फोर सिक्स माइनस टू फोर सीधा आंसर या फोर से डिवाइड करो वन वन कितना मजेदार चीज है कितनी मजेदार चीज है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस दो लाइनों के बीच का एंगल होगा प्यारे बच्चों दो लाइनें हवा में झूलेगी तो ये अगर लाइन है दूसरी लाइन ऐसी होगी यहां पे क्या लग रहा होगा ये लाइन एंगल होगा तो टू एंगल भी देर तो इन लाइन के बीच में दो एंगल है ठीक है एक ये एंगल एक ये एंगल तो हम यहां पे एक्यूट एंगल को कंसिडर करेंगे समय में आया एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट एंगल होगा तो हाँ वेक्टर में हमारा जो थीटा था जीरो से लेके पाई तक जाता था तो ऑब्ट्यूज एंगल करते थे समय में आ रहा ना यहां पे हम वी विल कंसीडर ओनली एक्यूट एंगल की बात समझ में तो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ लाइन व्हेदर इट इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म है आराम से समझना कोस थीटा बी वन डॉट बी टू मोड बी वन मोड बी टू और फिर उसका पूरे का मोड क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है वो नंबर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है तो इसलिए यहाँ पे पूरे दो खंबे लगा दिए मोड लगा दिया और फिर मोड लगा दिया तो प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में तो रखने का मतलब ये हुआ कि थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है समझ में आया दैट मींस थीटा इज एन एक्यूट एंगल तो यहाँ पे कितने खंबे दो छोटे खंबे नीचे लगाना दोनों के मॉड्यूल का प्रोडक्ट करना फिर और करना ठीक। अच्छा अब ये देखिए अगर लाइन दो लाइन देगा आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन आर इक्वल टू दूसरी लाइन ए टू होगी ए टू प्लस लैम्डा बी टू एम न्यू बी टू एन उधर कॉन्स्टेंट होगा
एल वन लाइन वन ऐसी होगी, लाइन वन ऐसी होगी, बी वेरी वेरी केयरफुल। अब एक चीज इसमें ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज नो रोल ऑफ ए वन एंड ए टू, इसमें ए वन ए टू का कोई रोल नहीं है इन फाइंडिंग द एंगल। किसका रोल है? पैरेलल वेक्टर का। यानी पैरेलल वेक्टर कैसे, सपोज एक लाइन, सॉरी दिस इज द लाइन एंड दिस इज द पैरेलल वेक्टर, another line is this and this is the parallel vector to it। तो पॉइंट जाए भाड़ में, उसका कोई एंगल डिटरमाइन करने में कोई मतलब नहीं है। जो एंगल इन लाइनों के बीच में होगा वही एंगल इन पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा। समझ में आया? तो हम इसको आगे बढ़ाए, दिस इज बी वन, दिस इज बी टू। समझ में आ रहा? अब ज्यादा डिटेल हो तो जस्ट प्रोड्यूस इट। ये जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, दिस एंड दिस एंगल विल बी सेम। सो एंगल्स ऑफ द लाइंस आर डिटरमाइंड बाय देयर डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर। तो यहां इसमें dr होगा, लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3i 4j 5k होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये करने के नोट पर, समझ आया? फिर अगर लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में है, मान लो एक लाइन x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, यानी a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियो, ये x1 y1 z1 इज ए पॉइंट लाइन ऑन लाइन वन, x2 y2 z2 इज अनदर पॉइंट लाइन ऑन अनदर लाइन l2, एंड a2 b2 c2 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ l2। नाउ सिंस वी नो दैट एंगल्स आर डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन रेशियो, वो डायरेक्शन बता दे। तो यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाय a1 इज टू b1 इज टू c1 इज टू प्लस कर दो स्क्वायर रूट a2 इज टू b2 इज टू c2 इज टू। हां, यहां देखिए आप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो यही निकलेगा, यानी b1 डॉट b2 यू गेट दिस वन। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपको आता ही है। फिर मोड b1, ये पहले वाला मोड ऑफ बी टू, ये वाला यानी इसका मोड सेम है। या फिर कभी कभी भूल गए यार, मेरे को तो साला वेक्टर फॉर्म याद था, कार्टेशियन फॉर्म याद नहीं है। तो कार्टेशियन फॉर्म में याद है, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, गिवन लाइन को फिर ये फॉर्मूला लगा दो। या इसका उल्टा, अगर आप ये भूल, ये आपको याद नहीं ये याद है, तो कार्टेशियन फॉर्म को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अप्लाई दिस फॉर्मूला। समझ में आया? काफी ज्यादा बोलना पड़ रहा है क्योंकि चैप्टर है ऐसा। फिर दूसरी चीज, अगर आपको लाइंस का डीसीज पता, डायरेक्शन कोसाइन, तो जस्ट एल वन, जैसे एल वन एम वन एन वन आर डीसीज ऑफ लाइन वन, एंड एल टू एम टू एन टू आर डीसीज ऑफ लाइन टू, तो दिस द फॉर्मूला मोड ऑफ एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एल वन एम टू, अगर डीसी है तो। बाकी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई, लिख लो, समझ लो। आपने नोटबुक में फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, ठीक है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, फाइन एंगल, ओके, एग्जांपल देता हूं। दो लाइन है, एक कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, दो एग्जांपल करते फिर एक्सरसाइज करते हैं। एग्जांपल नंबर दिया, दिस इज एग्जांपल नाइन, एग्जांपल नाइन है, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस r इन 3i plus 2j minus 4k plus lambda time i plus 2j plus 2k, line 2 is 5i minus 2j there is no k plus mu into 3i plus 2j plus 6k, lines are given in vector form। आपको ये फॉर्मूला निकालना है, आपको b1 and b2 निकालना है, b1 को होता है lambda का कोएफिशिएंट और b2 होता है mu का कोएफिशिएंट, आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर करूं तो मेरा ये b1 है, दिस इज b1, ठीक है, और इसके नीचे वाला गोले में जो है दिस इज b2, समझ में आए, दिस इज b2। तो अब फॉर्मूला वो लगे cos theta b1 dot b2, तो b1 dot b2 क्या होगा, याद करें cos theta equal to b1 dot b2, मोड लगा दो और लंबा सा मोड लगेगा, कारण पता चल गया क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पे मोड b1 इनटू मोड b2, अभी तो
छोटे में काम चलेगा, ठीक है। बी वन डॉट बी टू प्लीज डॉट इन, आप इसमें लिख देना, ठीक है। चलिए मैं करूं i प्लस टू जे प्लस टू के डॉट प्रोडक्ट थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के डिवाइडेड बाई, इनका मोड क्या है, वन फोर फोर, वन इज इट्स मोड मैग्नीट्यूड, ठीक है, नाइन हो गया, थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर हो गया, इसका 36 हो गया। खंबा लगा तो क्या मैं इसका प्रोडक्ट माइनस नहीं कर रहा, लिया वन इंटू थ्री थ्री हो गया, दिस इज थ्री, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, डिवाइडेड बाई ये नाइन का थ्री, ये 49.7 होगा, ये कि नथिंग मोड लगा रहा, तीन चार सात और बारह 19, यानी 19/20 बन, कॉस थीटा 19/20 आ गया, तो थीटा इनवर्स आप देखेंगे, कॉस इनवर्स 19/20, समझ में आया, यू कैन राइट देयरफॉर थीटा इनवर्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21, बी केयरफुल, ये कॉस का रेंज माइनस वन से वन के बीच में होता है, ठीक है। Now just see, well, not visible. Theta equal to cos inverse 19/20. Cos का range minus 1 to 1 होता है, तो वो minus 1 से 1 के बीच होगा, लेकिन ये acute angle है, तो ये हमारे प्लस में लेना, ठीक है ना, 0 से 1 के, 0 से 1 तक हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, अब एक लेते हैं, एक लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में देता हूँ, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं, फिर करते देखते हैं उसका एंगल कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देते इसको, उसको भी मिटा देता, ये फॉर्मूला क्या रखना मुझे, एग्जाम्पल 10, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस x + 3/3, y - 1/5, z + 3/4 एंड अनदर लाइन इज गिवन हियर। आपको क्या करना, एंगल्स आर डिटरमाइंड बाय देयर डायरेक्शन रेशियोज। अब लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो डायरेक्शन रेशियो के नीचे लटक रहे होते हैं, तो यहां पे a1 a2 b1 b2 फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला a1 है, दिस इज a1 b1 c1 हो गया ना, ये a2 b2 c2, a2 b2 c2, समझ आया। अच्छा, अब आप ये फॉर्मूला लिख दो, राइट दिस फॉर्मूला इक्वल टू, यू कैन राइट इंप्लाई दैट cos theta इक्वल टू a1 a2 मींस 3 into 1 प्लस 5 into 1 प्लस 4 into 2 बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर यानी 9, 25, 16 समझ में आई कहानी, इंटू इनकर 1, 1, 4 1 + 1 + 4 ये बात समझ में, ये कितना ऊपर 3, 5, 8 और 8, 16 अब सारा प्लस का यह मोड लगाने की जरूरत है, ये कितना 25 में तो दिस इज 50 रूट 50 इनटू रूट हाउ मच इज 4, 2, 6 रूट 50 कैन बी रिटन 2 इनटू ये कितना हुआ इक्वल टू आई राइट यहां लिख दूंगा 16/5 इसको क्या लिखेंगे 25 इनटू 2 तो 5 रूट 2 √6 Of this has been written here 16/5 × √6 को root 2 into root 3 कर दो, root 2 into root 3 और root 2 into root 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, this is root 2 √2 हो गया, that is 16/5 × 10 √3 अब प्यारे बच्चों ये कट गया और साथ में काटने के बाद ये मैंने इसको 8/5 √3 8/3 आ गया, तो इसको फिर लिखेंगे 8√3/5 × √3 रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर इज योर cos थीटा इक्वल टू 8√3/15 तो थीटा इक्वल टू cos inverse 8√3/15 इज योर आंसर, ये नोट करो, ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन। अब दो कंडीशंस, एंगल वाला टॉपिक चल रहा है, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब कोस थीटा
क्या होता है, कोस थीटा इज 90, थीटा इज 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, यानी ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो गई तो कोई चीज जीरो हो तो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जीरो होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स वाई वाई अगर जीरो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा नहीं आ रहा, यानी कोस 90 अगर ये होगा तो ये अगर पूरा सामान जीरो हो जाएगा, दैट मींस न्यूमरेटर इज जीरो, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो, यानी इट इज द सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट रेशियोज जीरो, ठीक है ना। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर मींस उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले ही पढ़ चुका है वेक्टर में, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू ऑल आर इक्वल, ये दो चीजें आप एक एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये लिख लो, समझ रहे हो, आपने लिख रखा लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, द फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइन के। अब स्क्यू का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा, विच आर नॉट पैरेलल, के दिन में सवाल उठता होगा सर लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन तो मिल जाएगी आपस में, द लाइंस आर नॉट पैरेलल तो लाइन में इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये 10th क्लास में पढ़ा, 11th पढ़ा, लाइन पैरेलल है तभी तो डिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल नहीं तो लाइन में इंटरसेक्ट, 3D में ऐसा नहीं होगा, जो आप सोचते हैं वैसा नहीं है, ठीक है। 3D में लाइन, एक लाइन ऐसे है वो हवा में, अब ये पैरेलल है, दीस आर पैरेलल लाइंस, नाउ पैरेलल है कि नहीं है, अभी कहां पैरेलल है, अभी आपके सामने करता हूं, दीज लाइंस आर पैरेलल नाउ, अभी पैरेलल ही है ना, फिर भी डिस्टेंस तो है, तो विच डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट, ये लाइन अभी स्क्यू लाइन है, ये पैरेलल, दीज आर पैरेलल लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस, बट मैं ऐसे कर दूं थोड़ा, दीज आर स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइन तिरछी, फिर भी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कौन सा मापते हैं प्यारे बच्चों, लाइन अगर ऐसी है, लाइंस आर लाइक दिस, ठीक है, तो विच डिस्टेंस इज मेजर्ड, आया कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच का, कहां से कहां था, यहां से शॉर्ट, ऐसा नहीं यहां से यहां दे दिया, ओके समझ आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में या तो वर्ड होगा स्क्यू लाइन, एस के ई वर्ड होगा, स्क्यू वर्ड होगा, या फिर शॉर्टेस्ट वर्ड आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों एक साथ ही होंगे, द बोथ द वर्ड्स विल नॉट अपीयर साइमल्टेनियसली। तो ये फॉर्मूला क्या, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, अगर एल वन लाइन इधर को वेक्टर फॉर्म में दिए, वेक्टर फॉर्म में दिए, आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, लाइन वन है, लाइन टू इज आर इक्वल ए टू प्लस म्यू बी टू, ये लाइन पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन्स है, बी वेरी वेरी केयरफुल, ये डिस्टेंस है, तो बी वन क्रॉस बी टू, ये चार नंबर का फोर मार्क्स पूछना था, चार नंबर का लगभग आ जाता है एवरी ईयर, नहीं तो अल्टरनेट ईयर आता ही है, बी वन क्रॉस फोर मार्क्स, क्योंकि टाइम कितना रहता पता है, बी वन क्रॉस बी वन एंड बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर जो आएगा फिर ए टू माइनस ए वन भी लेना है आपको, फिर ऊपर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट इज ए नंबर, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने यहाँ पे भी फाइनली एक मोड लगा दिया, तो B1 क्रॉस B2 है उसका मोड भी निकाला था, फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता, ठीक है ये याद करो। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म काफी महंगा है, काफी बड़ा फॉर्मूला है, तो इसलिए आपको दो लाइन दी हुई, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप ही फॉर्मूला करते हैं, कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बट इट इज ए लेंथी, टाइम लगेगा आपको, जस्ट कन्वर्ट गिवन लाइन इन टू वेक्टर फॉर्म एंड अप्लाई करिए दिस फॉर्मूला, ओके। वो फॉर्मूला क्या आपने लिख रखा है, मैंने अभी भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म नीचे लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला काफी लंबा लगेगा, एक डिटरमिनेंट दिया है, उसके नीचे स्क्वायर रूट देखो कितना लिया, अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में, समझ में आया,
तो ऊपर ये, उसके ऊपर तो वेक्टर फॉर्म है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप ये भी नोट कर लो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, याद कर लो इसको भी, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू डिटर्मिनेंट है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको, चलिए लगेगा तो ये भी लिख लीजिए। कोई बोलेगा मुझे तो सर इसी से ज्यादा लगा है तो ये कर लो, ठीक है। Now the lines are in given Cartesian form x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2. a1, b1, c1 पहली लाइन के दिया, a2, b2, c2 दूसरी लाइन के दिया, एंड पॉइंट्स आपको यहां से निकालना पड़ेगा, x1, y1, z1 यहां से निकालना, कंपेयर करना। सो इसमें ऊपर क्या है, इनके जस्ट डायरेक्शन रेशियोस, कहां पॉइंट वाला, ये देखो ये अलग डायरेक्ट रेशियो बोला गलत है। तो ये क्या होगा, एक पॉइंट इस पे पड़ेगा, दूसरी पॉइंट इस पे पड़ेगा, उनका डिफरेंस उसका डिफरेंस, ठीक है। फिर ए वन बी वन सी वन डीआर फर्स्ट लाइन, ए टू बी टू सी डीआर सेकंड लाइन, ये कुछ नहीं है। ये अगर मैं बात करूं कि मोड है, ए टू माइनस ए वन आप तब निकालेंगे इसका आएगा, समझ आया, ए टू माइनस ए वन, और फिर आप बी वन और बी टू का आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू आएगा। तो थोड़ा इसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं, नीचे ए वन बी टू ए टू बी वन का स्क्वायर माइनस करना, पहले ए बी लिखना, बी सी सी, कैसे ध्यान कैसे रखेंगे, ए बी वाला काम, बी सी वाला काम, सी ए वाला काम, फिर क्या करना, वन टू टू वन, वन टू टू वन, बी वन सी टू, बी टू सी वन, बी सी वन ए टू और सी टू ए वन, वन टू टू वन, बारह इक्कीस, बारह इक्कीस कर देना, ये आपको समझ में आ जाएगा। और फॉर्मूले में या बराबर जीरो लिखा है वो गलत है, काट देना, देन इज नो जीरो बिकॉज़ दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, वो अलग चीज है, वो किसी ने लिख दिया है, वो मैं वैसा नहीं करना। और लाइन बच्चों, अब एक बच गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, चलिए नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस B क्रॉस A2 टू माइनस ए वन, पहले वाले में B1 वन क्रॉस B2 था, देर इज नो बिजनेस ऑफ B1 B2, डॉट A2 टू माइनस ए वन, नीचे भी B1 वन क्रॉस B2 था, तो यह मोड B कर दें, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन आपको देख, पैरेलल क्वेश्चन में वर्ड पैरेलल ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो शॉर्टेस्ट होगा इसकी होगा, तो वो वाला होगा पहले वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला B1 वन क्रॉस B2 वाला, तो लाइन ऐसी नहीं होगी, A1 वन प्लस लैम्डा B और लाइन वन होगी, और लाइन टू ए टू प्लस न्यू बी, यहां बी वन बी टू का कोई चक्कर ही नहीं होगा, ये दो है ना इधर, ये लाइन ये सेम ही होगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोग, ये लाइन ऐसी है, ठीक है, ये ए वन यहां से निकलेगा, वन टू माइनस वगैरह वगैरह फोर है ना, ये पॉइंट देने का कोई नहीं, यहां पे ये तो भाई ये इनके डी आर इस लाइन में डी आर टू थ्री सिक्स, इसके डी आर भी टू थ्री सिक्स है, दैट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो वह पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो B क्या होगा, दिस इज B, दिस वन इज B, वेक्टर B होगा यहां से यहां तक, और A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 3 3, A1 क्या है यहां पे, यहां से A1 निकलेगा, A1 क्या निकलेगा 1 2 माइनस 4, 1 2 माइनस 4, और A2 वो क्या होगा, A2 माइनस वेक्टर है ना, कलर वेक्टर करके बाद ये वाला, यानी दिस माइनस दिस, सॉरी मैं आपका A1 क्या, दिस इज A1, योर A1 इज i plus 2j minus 4k, ठीक है, and a2 will be 3i plus 3j minus 5k, फिर वाला भी a2 minus a1, फिर इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मोड भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहले समझाना जरूरी था कि कैसी लाइन, देखते पता लग जाएगा कि पैरेलल है कि नहीं है, और राइट समझ आ गया ना। अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्टू डिस्टेंस वाला लाइन का, चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। This was your example, ये example 12, NCERT book का example number 12, ठीक है। Formula आप याद कर लो, सारे formula याद कर लो, B cross distance, B cross dot A2 minus A1 by mode B. तो अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, vector B चाहिए, आपको तीन चीजें चाहिए। तो मैं यहां से मैं यहां, because ये है ना, आपको A1 क्या है, this is A1, we have A1, क्या solution कर लो, ए वन कितना है, ए वन इज आई प्लस टू जे माइनस फोर के, टू जे माइनस फोर के, ए टू कितना है सेकंड लाइन का, थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, ये बात समझ में
A1 यहां से पिकअप कर लो, A2 यहां से पिकअप कर लो। अब आप पहले ही ज्यादातर चीजें पहले ही कर लो। A2 माइनस A1 कितना होगा? ठीक है, और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 विल बी, इसमें माइनस कर ले 3, दिस इज 2i, एंड वो कितना होगा प्लस जे, इसमें से ही माइनस कर लो, इसमें से एंड माइनस का k। ठीक है, ये सब हमारी कहानी। फिर वेक्टर बी ये यहां से देखो, कोई यहां से यहां से चीज है ना, देखो यार कंपेयर करो a1 a2, a1 प्लस लैम्डा बी, a2 प्लस म्यू बी, तो वेक्टर बी इज, बी क्या हो गया, बी 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, पुट करेंगे। तो अभी क्या b क्रॉस a2 माइनस a1 चाहिए, मोड b भी चाहिए, चले करेक्ट सुनो इसको, b क्रॉस मोड b पहले निकालो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज 4 9 36, ये कितना होगा 4 मीटर, दिस इज रूट 49 गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 7 यूनिट, दिस इज 7, ये मालूम कुछ करेंगे सब, है मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। अब इसके बाद हम करेंगे वापस बी क्रॉस एक इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सब आया, टाइम लगेगा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 ऐसे करना है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना। तो ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है IJK बी वाला, बी का कितना है 2 3 6 2 3 6, A2 माइनस A1 के कंपोनेंट्स 2 1 माइनस 2 1 माइनस। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, जस्ट कैरी आउट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, करो करो फटाफट करो, वीडियो पे पोस्ट करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 9i प्लस 40j माइनस 4k आया, आप वेरीफाई कर लो। फिर ऊपर देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पूरे का, इसका ऊपर का मैग्नीट्यूड पूरे का, ठीक है ना, अब अलग कर, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने कहा बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड √293 आया। नाउ डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस इसमें फॉर्मूला डाली वापस, जस्ट वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बाद में डाल, बी क्रॉस A2 माइनस A1 मोड एम बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब वापस पुट वैल्यूज, इसका कितना ऊपर वाले का √293 और यहां कैन पुट हियर √293 और वो वाई मैग्नीट्यूड इसका कितना 7 और दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका। अब एक डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 11 हम लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते जाएंगे। नाउ एग्जांपल 11 देखिए, आई हैव रिटन द एग्जांपल 11 हियर फॉर यू ऑलरेडी। Find the shortest distance between line. The two lines are given R I plus J plus lambda. It is visible. अब आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ये मैंने लिख दिया, ये A1 plus lambda B1, A2 plus mu B2, सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं A1 यहां से मैंने यहां लिख दिया, ये A1 है, ये A2 है, I have written there. A1 ये लिख दिया, A2 ये लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या होता पता है, D equal to D क्या होता पता है, B1 क्रॉस B2, ठीक है, नॉट A2 माइनस A1, ये वेक्टर है, फिर मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 याद रख लो, इसका अलग से करो। तो आपको क्या चार क्वांटिटी चाहिए, A1 B1 A2 B2 है, आपको A2 माइनस A1 चाहिए, तो सबसे पहले A2, ये सारी चीजें, ये सारे हथियार पहले रेडी कर लो, A2 माइनस A1 माइनस कर लो, इसमें से ये इसमें माइनस आपको I माइनस K मिला। B1 ये पढ़ा है, लैम्डा का एक कोएफिशिएंट B1 और म्यू का कोएफिशिएंट दूसरा वो हो गया B2, तो B1 B2 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 आपकी जस्ट फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब आप ही खुद गए जस्ट नाउ B1 क्रॉस B2 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का,
और चार नंबर कम नहीं होते, अगर आप 80 में से चार आपने ले लिया तो पीछे आपको 76 में से 76 लाने, ज्यादा नहीं लाने, ठीक है ना। तो जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ऐसा आता, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 आप करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो को होल्ड करता हूँ, आपको देता हूँ 2 मिनट का वक्त। B1 क्रॉस B2 पता कीजिए फटाफट, फिर मोड करना, इसका मोड भी करना, मैच करो और फिर कैच करो। B1 क्रॉस B2 मेरा आया 3i-j-7 के किया, अगर सही है तो आगे बढ़, नहीं तो ठीक कर। फिर B1 क्रॉस B2 का मोड लेना है 9+1+49, यानी B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड या मोड इज √59। प्यारे बच्चों, चार नंबर स्टेप बाय स्टेप करना, गिवन क्वेश्चन से A1 लिखना, A2 लिखना, A2-7, B1-B2। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप तो आपके ऐसे हो गए, आपको एक नंबर यहां तक मिल गया। फिर ये B1 क्रॉस B2 पता करना, फिर मोड करना इसका, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, नाउ B=4 फॉर्मूला चलेगा, ठीक है ना। B1 क्रॉस B2 डॉट A2-A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 यहां तक लिए पड़ा 3i-j-7 के, -j-7 के डॉट लगा A2-7 के, यहां से पिकअप करो, ये पर A2-7 वेरी इस i-k, ठीक है। मोड लगा दो, डिवाइडेड इसका कितना है √59, ठीक। नाउ कैरी आउट डॉट प्रोडक्ट, इसका कितना डॉट प्रोडक्ट था, आई वाला कितना हो गया 3, जे मारेंगे -7 -3+7 बाई √59, समझ में आ गया 3+7 / √59। नाउ 3+7 कितना हुआ, इसका मोड अभी लगा रहे, दिस इज 10/√59, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर, ऐसे करो, ठीक है। चार नंबर आपको लाने हैं, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो दिस आंसर, ये एग्जांपल नंबर 11 था। अब मैं आपको एडवाइज करूंगा, एक बार आप जो फॉर्मूला आपने लिखा, एक बार वो फॉर्मूला को ईमानदारी से एक बार वापस देखना कि लाइन के इक्वेशन क्या है, पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म वगैरह वगैरह क्या है, क्या कंडीशन है, लाइन पैरेलल एक दूसरे के है, क्या कंडीशन है, लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर में आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 बताया, तो या L1 L2 M1 M2 N1 N2 O भी 0 होता है, पैरेलल क्या है, फिर उसके बाद क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट और फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, इतनी चीजें एक बार आप याद कर लो, फिर आप क्या करना, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेना, देन में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा, आपने फॉर्मूले याद किए और फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा और वो फॉर्मूले आप भूलेंगे नहीं इतने आसानी से, ठीक है ना। शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल, शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में सभी लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री बनाती है, लंबवत है। तो ये अगर DC दिया तो आपने कंडीशन पढ़ा था ना, L1 अगर लाइन परपेंडिकुलर है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0 प्रूव करना है, ठीक है। अब आप क्या करना, ये एक लाइन का ये वाला है, एक लाइन का ये वाला, दूसरी लाइन का ये, तीसरी लाइन का ये, ठीक है। तो मैं हिंट, आई गिव यू हिंट, हिंट देता हूं मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। इसको L1 M1 N1 लेना, इसको M2 M2 N2 लेना, M3 M3 N3 लेना, ठीक है। अब यू कंसीडर दिस लाइन, आप क्या करना, हिंट प्रूव, पहले मैं क्या क्या चीजें आप प्रूव करेंगे, इनका दिस इनके दिस चीज का प्रोडक्ट का सम 0 कर दो, प्रूव L1 M2 M1 M2 + N1 N2 = 0 प्रूव कर दो, ठीक है। फिर इसका इसका कर दो,
एल टू एल थ्री एम टू एम थ्री एम टू एम थ्री वो भी आप कर दो जीरो, फिर इसका इसका ठीक है ना, फिर करो इसका एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एल वन एल थ्री एक और जीरो कर दो ठीक है। फिर इसके साथ देयरफॉर एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू therefore L2 perpendicular to L3, therefore L1 perpendicular to ये कौन है L3, तो आप ऐसे करना ठीक। सभी का प्रोडक्ट का सम जीरो आएगा वो आप कर सकते हैं खुद, लेकिन करना जरूर है तो इसको लिख देना, ये लाइन वन है ये लाइन टू लाइन थ्री का ठीक है ना। चलिए इसको आप खुद करेंगे होमवर्क, अब सारे सॉल्यूशन मैं नहीं करूंगा आप करेंगे, हिंट दे दिया, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। क्वेश्चन टू, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, ए बी मैंने नाम लिखा किताब में सिर्फ पॉइंट दिया कोऑर्डिनेट्स वन माइनस वन टू थ्री फोर माइनस टू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स जीरो थ्री टू एंड थ्री फाइव सिक्स। अब आपको परपेंडिकुलर पता करना, परपेंडिकुलर का रूल आपको पढ़ा है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस ए वन सी टू, अगर आप जीरो कर दें तो आपका प्रूव हो जाएगा, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी गलती करते हैं, हम गलती तो नहीं करते लेकिन हम हमारा कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लाइन थ्रू पासिंग टू पॉइंट पता करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन पता करते हैं, फिर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस ए वन सी टू जीरो करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ डी आर पता करो, डी आर डी आर ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यू कैन साइड एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, तो ए बी का डी आर पता करो, सी डी का डी आर पता करो, फिर उनके डी आर का प्रोडक्ट सम चेक कर लो ठीक है। वो करिएगा, आपको मैं देता हूं दो मिनट का वक्त ठीक है, करके देखते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट कीजिएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट जीरो आर डी आर, एक ही लाइन में कर दिया है डी आर ऑफ ए बी यानी एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस वन फोर माइनस माइनस वन फोर प्लस वन माइनस टू माइनस टू यानी कोमा इसका टू फाइव माइनस वन लिख दिया, और इसको अगर ए वन बी वन और सी वन मान ले तो भी ज्यादा हर्ज नहीं होगा ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू सी डी यानी डी वाला माइनस सी वाला करना, ये कुल मिला के तीन दो चार आया, इसको इसको सिंपल कर दिया, इसको ए टू बी टू सी टू कर दिया, तो ये दोनों लाइनों के दिया इसका एक ये पड़ा इसके साथ। अब आप चेक करेंगे, नाउ नाउ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल ए वन ए टू बोलो तो सीधा टू इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू टू या इंटू लगा दो प्लस माइनस फोर इंटू फोर हाउ मच डज इट बिकम सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्सटीन तो दिस इज जीरो। Therefore, AB perpendicular to CD, ऐसा करना ठीक है, ज्यादा झमेले में पढ़ने का नहीं है। सवाल नंबर तीन देखते हैं क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी डी दीज लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हमारे कोऑर्डिनेट दे दी, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का आपने बच्चों रूल पढ़ा था, परपेंडिकुलर में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस ए वन सी टू जीरो होता है, और लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी आप ए वन बाई ए टू प्लस ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू प्रूव कर दो ठीक है। अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप वही कहा ना, मैंने पहले वाला मिटाया थोड़ा जगह या थोड़ा चेंज कर दिया, और ए वन बी टू आप इनके डायरेक्शन रेशियोज पता कीजिए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन रेशियो जो आपने पिछली बार किया था ना उससे भी उतना अच्छा करना, और पिछली बार किसी की गलती हुई थी इस बार गलती मत करना। एक मिनट का वक्त देता हूं, डी आर पता फटाफट कीजिएगा फिर चेक करते हैं आपका है। करते करते मेरा तो ये आ गया है माइनस टू माइनस फोर आया ए बी का, इसका टू फोर फोर, अब देखिए दिस बाई दिस दिस बाई दिस दिस बाई दिस सेम ही है ना, तो यहां लिख देंगे क्लियरली, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लो, अपनी कैलकुलेशन कहीं कैलकुलेशन में नफरा तो ठीक कर लो क्लियरली, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू शो कर लो,
ठीक है ना। देयरफॉर एज लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी, या फिर तो लाइन थ्रू ए बी पैरेलल टू लाइन थ्रू सी डी, ओके ये आपको प्रूव हो गया। इसको लिख लो, बड़ा कॉपी कर लो, आपकी फॉर्मूले का रिवीजन हो रहा है, कंडीशंस ऑफ पैरेलल पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी वगैरह वगैरह। फोर्थ क्वेश्चन बात है, सवाल नंबर चार, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू व्हेन टीएच आर यू शॉर्टकट मारा स्पेलिंग 1 2 3 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। अब सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा, मैं सर इसके वेक्टर इक्वेशन लिखूं या कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं, वैसे तो आप कुछ भी लिखो आपका सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा दे दे रहे कॉमन से लगा यार, ये जो पैरेलल वेक्टर जो है ना ये वेक्टर फॉर्मूला ले रखा है, ठीक है। तो अभी आपको इक्वेशन क्या फॉर्मूला है पता है, इफ यू नो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, मैंने बताया आपको फॉर्मूला याद है आपके पास, आप बीच बीच में रेफर भी करते हैं, ए प्लस लैम्डा बी, व्हाट इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन एंड दिस इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ठीक है। तो यहां पे आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में वी हैव गिवन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, पॉइंट ये इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो एक पहले सारा समान है इकट्ठा करो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, एंड बी कौन है, ये तो बी है पढ़ा ना, बी इज थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। इसके बाद फॉर्मूला दिखा दो, इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला लिखना चाहिए, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, आर इक्वल्स टू ए को ये पढ़ आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा इंटू थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, दिस इज द आंसर, ठीक है ओके हो गया, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड थ्री टू माइनस टू करेक्ट, ये हमारा आंसर है। अगर आपको बोलता कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या x माइनस ऊपर आता x माइनस वन y माइनस टू z माइनस थ्री, नीचे क्या आता थ्री टू माइनस टू, और आप यहां से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर पांच देखते हैं, काफी मजेदार, आप लिखते रहिएगा, जब आप थक जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट लेना, बोर्नविटा होर्लिक्स बूस्टर कुछ भी पहले मम्मी के पास जाके खा लो पी लो, ठीक है, मूड को तरोताजा करके वीडियो को अब रिस्टार्ट कीजिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस k। अब इसको थोड़ा सवाल को समझना, बिगिनिंग है स्लो मोशन पढ़ना, वो एक आपको दोनों इक्वेशन पता करनी है, पार्शियल टू पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर इज गिवन, दिस इज पोजिशन वेक्टर एंड ये डायरेक्शन भी, यानी आपको इक्वेशन ए पर लैम्डा बी होगा, तो ए यहां से निकालो बी यहां से निकालो, तो ए तो क्लियर तो दिख रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट विद पॉजिटिव वेक्टर दिस ए इज देयर, तो ए क्या है 2i माइनस जे प्लस 4k ओके एंड इज इन द डायरेक्शन यानी विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है और इस वेक्टर के पैरेलल में दैट मींस दिस इज वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर बी है। अब ये हो गया, तो वेक्टर फॉर्म ए कौन 2i माइनस जे प्लस 4k लैम्डा इनटू बी आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। अब आपको इसका करना है कार्टेशियन फॉर्म, आपको कन्वर्ट करना आता है, कन्वर्ट करना आता है कार्टेशियन फॉर्म में है भाई, आता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्स वन वाई वन जेड वन द गिवन पॉइंट, यानी ये जो है ये या ये वाला लगा लो या ये वाला लगा लो, ठीक है, ये किस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, दैट इज पॉइंट ऑफ द लाइन। अब आप काटे शुरू करते हैं, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगेन पॉइंट ऑफ द लाइन वो क्या है 2 - 1 - 4, 2 - 1 - 4, ठीक है, या सीधा ही मार सकते यहां से, एंड बी आर
डीआरएस ऑफ लाइन यहां से निकलेगा वन टू माइनस वन, ये कौन है एबीसी, एबीसी सो इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, ज्यादा लंबा लंबा करा रहा हूं, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, इसको थोड़ा कर दो इक्वल टू एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, अब एक्स वन वाई वन क्या है x माइनस टू y माइनस वाई प्लस वन कर दो जेड माइनस फोर कर दो, वहां से देख लेगा या यहां से सीधा कर दो टू माइनस वन बाई ए बी सी वन टू माइनस वन टू माइनस वन, करेक्ट है नहीं है भाई वन टू माइनस वन, देखे आंसर करा वन टू देखते आंसर, ये इतना झमेला है आप सीधा भी कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस टू, ये पॉइंट है टू माइनस वन फोर, ठीक है और इसके नीचे ए बी सी यानी आई जे के कोएफिशिएंट लैम्डा का जो है ना ब्रैकेट लैम्डा के बगल वाला वहां से आप ए बी सी यानी इसके अंदर कंपोनेंट यानी इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे डाल दो इसका वेक्टर डी का, तो दिस इज आंसर है, लिख लो इसको फटाफट कॉपी करो। छठा सवाल ये रहा आपके लिए, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू माइनस टू फोर एंड माइनस फाइव एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन इज गिवन हियर, यानी हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस बिंदु से गुजरे और इसके पैरेलल हो, सो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो सेम लिख दो, डी आर आर प्रोपोर्शनल या डी आर आर सेम, डायरेक्शन रेशियो आर सेम, तो हमारी जो नई लाइन बनेगी उसके नीचे यही आएगा तीन चार छः और पॉइंट विल बी दिस, तो मैं आप कर सकते हैं करना है तो आप करो वीडियो को पॉज कर करो फटाफट, मजेदार चीजें अभी ये देखो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए और मुझे तो ये चैप्टर बहुत मस्त लग रहा है, सबसे अच्छी बात इसमें इसमें कैलकुलेशन ज्यादा भारी भरकम नहीं है, ठीक है तो चलिए गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट गिवन लाइन में लिख लेता है आप ऊपर लिखो पॉइंट, ये सिक्स वाला है गिवन पॉइंट वो हमारा है माइनस टू फोर माइनस टू फोर माइनस फाइव एंड गिवन लाइन, गिवन लाइन जो हमें दी हुई है एक्स प्लस थ्री बाई थ्री वाई माइनस फोर बाई फोर एंड जेड प्लस एट बाई सिक्स, ठीक है आपसे मैं पूछू अभी सवाल ये है कि हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक समझ में आया ओके। अब प्यारे बच्चों एनी अच्छा मुझे बताइए व्हाट इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन में पॉइंट क्या है माइनस थ्री फोर एंड माइनस एट उल्टा करा, ठीक है एक्स माइनस एक्स वन होता है ना तो एक्स वन वाई वन जेड वन माइनस थ्री फोर एंड एट, तो चलिए एनी लाइन चलिए ऊपर क्या होगा हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी एक्स इसे एक्स वन वाई वन जेड वन है ना ये मैं लिख दूं एक्स वन y1 z1, ठीक है ये हो गया तो इक्वेशन क्या होगी लेट इक्वेशन बी x माइनस एक्स वन बाई ए लेफ्ट वालों को ली y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, तो क्या होगा प्यारे बच्चों x माइनस वन x माइनस एक्स प्लस टू कर लू एंड बाई ए एंड y माइनस फोर बाई बी एंड जेड प्लस फाइव बाई सी, अब हमारे पास समस्या है कि व्हाट इज ए बी एंड सी, ठीक है इसको मैं लाइन वर्क कर दूंगा बट हमारे जो लाइन है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन देखो डी आर सेम है तो ए की जगह ये तीन यहां घुसा दो चार यहां घुसा दो छह यहां घुसा दो, ठीक है घुसा दो लिख दो लिख लो है ना ये लिखना जरूरी है दिस लाइन टू दिस लाइन पैरेलल टू दिस वन शो इट एज सेम डीआर तो इक्वेशन बी कम यानी ए बी सी के जी नीचे ये वाला लिख दो, ठीक है मतलब दोनों लाइनें पैरेलल है ना तो आप समझ लो डिनोमिनेटर सेम है ये डायरेक्शन पता था लाइन ऐसी वैसी, ठीक है ना लिख दिया पॉइंट ध्यान रखना कन्वर्ट कर अभी इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट कर आप पता है कर सकते हैं इसको लिख लो फटाफट, ठीक है चलिए काफी मजेदार सवाल नंबर सात करते हैं स
सातवां सवाल, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, वाई माइनस फोर बाई सेवन, जेड माइनस सिक्स बाई सिक्स, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये आपको कन्वर्ट करना मैंने बता दिया, अगर आपको आता है तो आप एक मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए फिर भी मैं समझा देता हूं। तो उसका होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। लैम्डा बी क्या है? लैम्डा के बगैर बी है, वो पैरेलल वेक्टर है। तो पॉइंट क्या है? फाइंड द लाइन। तो पॉइंट ऑन लाइन इज दिस, पॉइंट ऑन लाइन इज वो क्या है? फाइव माइनस फोर सिक्स, ठीक है। ये x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन से कंपेयर किया। सो इसका पोजिशन वेक्टर क्या है? देयरफॉर हमारा पोजिशन ए क्या बनेगा? फाइव आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के समय में। तो इसके जो डीआर थ्री सेवन है, एंड बी क्या बना? वेक्टर बी इसका डिनोमिनेटर है, थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस सिक्स के, ठीक है। देयरफॉर वेक्टर फॉर्म R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, R इक्वल टू ए कौन पांच आई माइनस चार जे प्लस सिक्स के प्लस लैम्डा इन टू थ्री आई सेवन जे सिक्स के। ये बात आपको समझ में आई क्या? दिस इज द आंसर, ठीक है। थ्री माइनस फोर सिक्स, थ्री सेवन सिक्स, दिस आंसर। विक्रम बराबर नंबर एट, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट फाइव माइनस टू एंड थ्री। अब ये दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट जब आप हिट दे दो, दो पॉइंट दिया, एक पॉइंट ओरिजिन से जा रही है, यानी ओ एक्स निकल रहा है जीरो जीरो जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ए, दैट इज फाइव माइनस टू एंड थ्री। सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 minus y1, sorry, x minus x1, y minus y1, z minus z1, नीचे डालना x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, समझ में आया? आप फर्स्ट प्लेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा? This is x1, y1, z1, this is x2, y2, z2, इधर हो आपको, तो इसका dias पता कर लो। dias क्या होगा? x वाला, a वाला कोऑर्डिनेट माइनस o वाला, तो dias हो जाएगा 5 minus 0, minus 2 minus 0, 3 minus 0, यानी direct ratio 5 minus 2, 3 होगा। पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वन वाई में जरूर नहीं होगा, आप कर सकते हैं, एक कार्टेशियन कर लो, वेक्टर में सीधा कन्वर्ट कर दे। ओके, मैं आपको देता हूं टाइम, दो मिनट का वक्त, करिए फटाफट, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखना। लिख लो, अभी लिख लो, लिख लो फटाफट। ओ एगा डी आर सी, पॉइंट ओ लिख दिया, पॉइंट ए लिख दिया, डी आर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, डी आर डायरेक्ट ने शूज आपने पढ़ा 11.1। सो इनको मैं ए बी सी मान लू, ठीक है। इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, वैल्यू पुट कर दो, एक्स वन वाई वन जेड वन सब जीरो जीरो जीरो, और ये डायरेक्शन रेशियो नीचे लिख दिया मैंने, पांच माइनस दो और तीन, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इसका आप अगर करें वेक्टर फॉर्म में, यहां से देख लो पॉइंट क्या, वेक्टर फॉर्म में करें, वेक्टर फॉर्म अगर आप करना चाहें, करना ही पड़ेगा। वॉट इज ए? जीरो आई जीरो जे जीरो के, तो ए इज जीरो वेक्टर, समझ आया, कुछ करने की जरूरत नहीं। वॉट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी डिनोमिनेटर ले लो, ये डी आर है ना, बी इज फाइव आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ये बात समझ भाई। ए बी सी डी आर से या यहां से ले लो, फाइव माइनस टू थ्री है, यहां से पकड़ लो। तो इसका एक वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बहुत आसान, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए आर इक्वल टू ए तो है ही नहीं, लैम्डा टाइम बी कौन है, फाइव आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। ये समझ लो और लिख लो, प्रैक्टिस खूब करना प्यारे बच्चों, बड़ा वीडियो है। जब इफ इन वन गो इफ यू कांट गो थ्रू पीसफुली देन टेक रेस्ट, ठीक है। आधा वीडियो तो आज देखो, आधा थोड़ी देर बाद शाम को देख लेना या कल सुबह देख लेना, ठीक है ना। लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। सी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्विलिब्रियम लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट 3-5 एंड 3-6 करेक्ट है? करेक्ट। तो प्यारे बच्चों पहले आपको फॉर्मूला रिकैप करना पड़ेगा। लाइन पासिंग टू टू पॉइंट वेक्टर फॉर्म में आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है। अब ए एंड बी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। ए क्या बनेगा 3i-2j+5k, बी बनेगा 3i-2j+6k, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके करेक्ट है। और ये तो और कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या इसको लिख के बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, कन्वर्ट कर लेना बी माइनस ऐसे निकल जाएगा, या फिर आप कहना वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड, ठीक है। आइदर यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, अदरवाइज यू रीस्टार्ट करो, मैं एक्स वन वाई वन जेड वन ऊपर आएगा, एक्स माइनस थ्री y प्लस टू जेड माइनस ऊपर बन रहे, नीचे दिया 3-3 जीरो आ जाएगा, -2 जीरो आ जाएगा, 6-5 5, ठीक है ना। तो 0 0 1 नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके देखता हूं आंसर वैसे कुछ है और है बिल्कुल सही, ठीक है। यू स्टार्ट, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टाइम, पहले वेक्टर कीजिएगा फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, कीजिए बच्चों। एक क्वेश्चन में गलती, अगर ये पॉइंट है तो ये करेक्ट है या मैच कर लो, लेकिन अभी मैंने नोट किया थोड़ा गड़बड़ लिखा मैंने, 3-2-5 यार, 3-2-5, ठीक है, करेक्ट कर लो। अगर यहाँ करेक्शन करना तो यहाँ करेक्शन कर लो, और अगर आपने ये लिखा है फिर आप ये आंसर आया तो आपको मैं 10 में से 10 देता हूँ, ठीक है। फिर भी यहाँ -5 है, करेक्ट कर लो, किताब है मैंने गलती लिखा है, तो ए इज -5 के, तो यहाँ क्या बनेगा -5 क्या जाएगा, और 6-1 दैट विल लैम्डा टाइम्स 11k होगा, ठीक है, लैम्डा इनटू 11k। ओके ये आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया। अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन, आई जे के जीरो है ना, तो आई जे के यहां कोई दिक्कत नहीं है, या डीआरएस क्या है, डीआरएस क्या है 0 0 0 0 11, डीआरएस क्या है कार्टेशियन फॉर्म, यहां करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये ले लेते हैं 3-2-5, ये अगर मैं इसको एक्स वन वाई वन जेड वन ले लू एंड डीआरएस ऑफ ए बी सीधा यहां 3-3 0-0 11, या यहां से भी पिकअप कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन नहीं, वो तो चलेगा ना, वो तो एक्स टू माइनस एक्स वन ये कर सकते हैं, दिस इज 11 इक्वल टू ए बी सी का लो, ठीक है, वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, तो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड प्लस फाइव, ठीक है, नीचे क्या 0 0 1, x माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड प्लस फाइव करेक्ट है, x माइनस थ्री जेड प्लस फाइव 0 0 11 0 0 11, ये आपका आंसर है, मैं देख लो आंसर थोड़ी सी बिल्कुल से प्लस टू प्लस फाइव, ये तो आपका आंसर, मैं राज की बात, ये लाइन एनी लाइन, अच्छा ये बताइए 0 0 1 किसका dr होता है, दिस इज द dr ऑफ जेड एक्सिस, समझ में आया, यानी ये dr ये dc है, dc तो जी इसको पूरे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो dr बन जाएगा, तो जिनका dc और dr प्रोपोर्शनल है वो सारी लाइनें पैरेलल होती है, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है जेड एक्सिस के पैरेलल, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, जेड एक्सिस नहीं है, ठीक है ना, तो ये लाइन 3-2-5 गुजरती है, 3-2 6 से गुजरती है, ठीक है ना, और चलिएगा कोई बात नहीं, ज्यादा हम करते हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, यानी ये वर्टिकल लाइन है, चलिए इसको नोट करो, जस्ट नोट डाउन, और इसको वहां से भी कर सकते हैं आप, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड प्लस फाइव याद रख सकते हैं, और डी आर क्या है, आई का नहीं है, आई का है नहीं 0, जे का भी 0 है, के वाला 11 है ना, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू पार्ट्स, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस, लाइन वन, दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू गिवन। अब लाइन के बीच में दीज लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म का आपको इक्वल होता है कॉस थीटा इक्वल टू मोड ऑफ बी वन डॉट बी टू बाई मोड बी वन, मोड बी टू फिर उसका मोड पूरे का, ठीक है। तो यहां से बी वन निकालेंगे, ए प्लस लेमडा बी वन एंड सॉरी ए वन प्लस लेमडा बी वन, दिस इज ए टू प्लस न्यू बी टू। तो बी वन और बी टू क्या है, यहां पर देख, वी हैव बी वन क्या है, बी वन इज दिस 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। एंड व्हाट इज b2 हियर, ये वाला i प्लस 2j प्लस 2k, समझ में आया। अब प्यारे बच्चों, अब एक साथ का cos थीटा फॉर्मूला, या तो b1 डॉट b2 पहले निकालो मोड में, अगर निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं तो फिर लिखने cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय मोड b1 इंटू मोड बी टू, ये बात समझ आ रही है आपको, ये कर सकता है। उसके बाद ये कर लो इसको 3i 2j 6k डॉट लगा दो i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। उसके बाद इसका मोड कर सकते हैं एक साथ, अभी सीधा कर दे इसका, क्या होगा मोड बी वन इज 9 प्लस 4 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 144, 1 प्लस 4 प्लस 4, समझ में आई कहानी। यानी cos थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40 इंटू 49 इंटू 49 How much is this? So this is 4 again. So this is 9. ये हो जाएगा 3 plus 4 plus 12 by ये हो जाएगा 7 into 3. Okay. अब ये 12 3 4 7 12 19. So that is 19 by 21 implies that theta equal to cos inverse 19 by 21. ये हमारा आंसर है. इसको लिख लो फटाफट. Just copy down. ठीक है? कॉपी डाउन। अब मैं इसका पार्ट टू लिखता हूं, आप खुद करेंगे, ठीक है ना। इसका टेंथ का पार्ट टू मैं लिख रहा हूं, आप उसको खुद करेंगे। ये लो पार्ट टू, दिस इज पार्ट, ये तो आपने कर लिया था, अभी ऊपर वाला आपने कर लिया, ये करना आपको, ठीक है, खुद कीजिएगा ट्राई सेल्फ। ओके, इसका आंसर कॉस इनवर्स 8 बाई 5 रूट 3 आएगा, जस्ट इसको कीजिएगा आंसर मिलेगा। जिन बच्चों का सिलेबस एनसीईआरटी का नहीं है वो भी ये सब करेंगे, आंसर इस दिश कर लो इसको फटाफट, ठीक है। इसको करके वीडियो को पॉज कर करो, आंसर मैच करो, फिर आगे बढ़ो। करते हैं, मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन, इसमें भी आपको एंगल बिटवीन द लाइंस पता करना है, बट द लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus a1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square multiplied by a2 square plus b2 square plus c2 square का square root, where a1 b1 c1 इसके लिया, a2 b2 c2 इसके लिया। अब मैं आपको लिख दूं a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, ठीक है, करें। ओके, बियास ऑफ लाइन 1, बियास ऑफ लाइन पर लिखेंगे वो a1 लिख दो, b1 लिख दो, ठीक है। पहले मैं करता हूं फिर आप देखिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, आज आप टाइम लग जाएगा। अब इसको लिख लो आप, बिल्कुल ऐसा लिखना है अगर दो नंबर का आता है, इसलिए मेरे ख्याल से दो नंबर का आता है, बी आर सो 9 1 2 5 -3, इनको आप a1 b1 c1 बोल दो, बी आर सो 9 2 -1 8 4, यू से कॉल देम a2 b2 c2, cos थीटा फॉर्मूला डाल दो, विजिबल, ठीक है। A1 into A2, this into this, this into this, this is B1 into B2, C1 into C2 होगा, ठीक है। नीचे A1 square, B1 square, C1 square बोले तो इसका इसका सबका square ले लिया, A2 square, B2 square, C2 square यानी इसका 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 सबका square याद रखिए। इनका सम 38 आया, इनका सम आया 81,
81 का स्क्वायर रूट होता है 9। अब ये कितना हो गया ऊपर 40 माइनस 14 26। मोड लगाने जरूरत नहीं, 26 ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज cos थीटा 26 बाय 9 रूट 3a। सो थीटा विल बी cos इनवर्स 26 बाय 9 रूट 3a। दिस इज आंसर। लिख लो इसको, आपका सही आया मुझे पता है, ठीक है ना। दो में से दो नंबर ले लो। तो पार्ट टू इसका मैं देता हूं आपको, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। पार्ट टू देखिएगा। पार्ट वन आपका हो गया, ये अभी भी आपने कर लिया, इसके ऊपर वाला आपने कर लिया। ये पार्ट टू और इसका आंसर कोस इनवर्स 2/3 आप इसको खुद करेंगे, ट्राई सेल्फ को खुद करेंगे। करिए आप, दो में से दो नंबर लीजिए, अपनी पीठ खुद थपथपाइए, ठीक है। करिए 11th, फटाफट कर लो, दो मिनट में कर लो। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपके दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित होना चाहिए कि जैसे आपने A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऊपर न्यूमरेटर करते ना, अगर वो जीरो आ गया तो सीधा बोल देना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए समवेयर मान लो यहां पे कुछ दे दिया लेटर पी और बोलता है इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो आप क्या करना, A1, A2, B1, B2 एंड C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट का सम जीरो लिखना, पी के वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ अगले क्वेश्चन में है आपके लिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा, इसको 3 स्टार दूंगा, ठीक है। बहुत बार आता है, अभी जो बताया फाइंड वैल्यू ऑफ पी सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अब ये लाइन वन दी, लाइन वन टू, लाइन टू दिया, L1 L2 मैंने लिखा। प्यारे बच्चों थोड़ा उद्धार कीजिएगा, आपने जो लाइनें पढ़ी थी उसका सिमेट्रिक फॉर्म, जैसे ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन क्या है, एक्स वाई वाली है। तो आपने पढ़ा था एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी पढ़ा। अब थोड़ा उद्धार करना, एक्स वाई एंड जेड का कोएफिशिएंट प्लस वन है तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर प्लस वन एवरीवेयर, यहां का माइनस वाई नहीं है, टू वाई नहीं है, एक्स का वाई का जेड का कोएफिशिएंट प्लस वन है, तब नीचे जो आ रहा है वो नंबर डी आर माना जाता है। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है, माइनस वन है तो अच्छा नहीं है, वाई का 7 है तो वो भी अच्छा नहीं है, तो ये ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, तो पहले इनको अच्छा बनाए, यानी कन्वर्टिंग द गिवन लाइन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे इसको, ऊपर नीचे करना, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई मत करना एक किसी नंबर से, ठीक है। यहां माइनस एक्स का प्लस वन बनाना है तो ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस वन से डिवाइड कर दो। इसको वाई का कोएफिशिएंट 7 है तो 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, इसको कुछ नहीं करता, ठीक है। इसको माइनस 7 से डिवाइड एन एंड डी बाई माइनस 7 करेंगे, ठीक है। ये क्या है, माइनस 1 से डिवाइड करो ऊपर नीचे या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग गिवन लाइन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आप कन्वर्ट करो। एक मिनट का टाइम देता हूं, कन्वर्ट करके देखिए फिर मैच कीजिएगा, ठीक है। नाउ चेक, करेक्ट, आप मैच कीजिएगा। L1 को मैंने दोबारा लिखा है, ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन बाई माइनस थ्री, मुझे सिर्फ एक ही टारगेट करना है, मुझे x का कोएफिशिएंट प्लस वन बनाना, ठीक, सिर्फ ऊपर नीचे करना है, थ्रू आउट द लाइन लाइन, आप पूरी लाइन को मल्टीप्लाई मत करना सेम नंबर से। या वाई का कोएफिशिएंट 7 है तो मुझे ऊपर और नीचे 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, वाई माइनस टू बाई 2/7 आ गया, ये ठीक है, मैंने ठीक का ठीक है, जो ठीक है उसको छेड़ना नहीं। एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7 है तो ऊपर नीचे माइनस 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स वाई एक्स माइनस 7 बाई माइनस 3/7, ऊपर नीचे माइनस 7 से सिर्फ इसी को डिवाइड करना, ये अच्छा है, अच्छा रख दिया, अच्छा नहीं है तो माइनस जेड है तो माइनस जेड का कोएफिशिएंट माइनस, जो
एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है ना उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। अब ये लाइन आपकी स्टैंडर्ड लाइन बन गई। आपको कोई ये भी पूछता है इस लाइन के डीआर क्या, ये 3 2P and 2, ये लाइन के डीआर नहीं है, ये डीआर है, डीआर ये है, ठीक है ना। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उनका जो डिनोमिनेटर दैट इज द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब लाइन परपेंडिकुलर है, तो अब लिखो सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप इनका प्रोडक्ट जीरो करके चेक करो, यू फाइंड वैल्यू ऑफ यानी दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, जीरो करो, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। आपको देता हूं 2 मिनट का वक्त, शुरू कीजिएगा, कॉपी करो, चेक करो, कॉपी बाद में करना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो कर दिया, -3 -3 +9/9 P/7 2P/7 इक्वल ये -10 आ रहा, मैंने इधर भेज दिया, यहां खड़ा हुआ ये 11P/7 इक्वल टू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P का वैल्यू 70/11 आया, आपका सही है तो आप फिर एक नंबर और ले लो, ठीक है। ये पूरा 4 नंबर का आता है क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता ना, इसलिए 4 नंबर का आता, ठीक है। चलिए निकलिए, काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी मजेदार ट्वेल्थ हो गया, बहुत अच्छा। अभी थर्डी देखते हैं, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन वन दिया हुआ बिल्कुल विजिबल है और लाइन टू दिया हुआ, ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हलवा, हलवा हलवे से भी सिंपल दलिया, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये A1 B1 C1 ये A2 B2 C2 लाइंस परपेंडिकुलर है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को आप जीरो प्रूव कर दो, आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करें, अभी ये तो वाली क्या करें, क्या करने को खुदा, ये A1 है B1 है C1 है, तो यहां पे हियर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 7 × 1 प्लस -5 × I will get 2 प्लस 1 × 3 समझ आया, ये 7 − 10 + 3 ये हो गया 0, देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर टू L, ठीक है। ये तो हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता होगा, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, विजिबल है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपसे इसी में से एक और चीज पूछता हूं, फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन, फाइंड कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच लाइन ऑन दिस लाइन, क्या है 5 − 2 0 या जेड बाय 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या, व्हाट इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन, x − 0 y − 0 z − 0 यानी 0 0 0, कहने का मतलब दिस लाइन passes through origin। अब देखो थोड़ी अलग चीज पढ़ रहे, डिटेल स्टडी, अगर आपके दिमाग में अभी भी शक का कीड़ा अंकुरित है तो इस लाइन में x का y का z का वैल्यू पुट करके चेक कर लो, 0/1 0/2 0/3 सब इक्वल तो होता है ना, इसमें पॉइंट क्या है, 5 − 2 0 पुट करो, x का 5 करो, y का -2 करो, z का 0 करो, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज You will get this old quantity को, ठीक है। वो तो होगी इस सवाल से हटकर बात थी, ये हो गया हमारा काम। सवाल नंबर 14 करते क्या है, नंबर 14 क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये स्क्यू लाइंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको 5 स्टार, आई विल गिव इट 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B1 × B2 · A2 − A1 नीचे मोड ऑफ B1 × B2 फिर पूरे का मोड, ये समझ में आया, इसका मतलब आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, B2 है, तो पहले A1 लिख लो, A2 लिख दो, B1 लिख दो, B2 लिख दो, फिर मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ A1 क्या है, ठीक है, वेक्टर A1, वेक्टर A2 क्या है, मैं फिर वेक्टर A2 − A1 करूंगा, ठीक है। फिर B1 क्रॉस B2, व्हाट इज B1 हियर, B1 क्या है,
वेक्टर बी टू क्या, सारी चीजें लिखूंगा, ये ए वन, ये ए टू, ये बी वन और बी टू। ए वन क्या है, आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे प्लस के हो गया, टू आई माइनस जे माइनस के, टू आई माइनस जे माइनस के, ए टू माइनस ए वन, टू आई माइनस आई माइनस थ्री जे माइनस टू जे, समझ रहा है, ठीक है, करने में कोई गड़बड़ हो तो आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री जे माइनस टू के, ओके। बी वन क्या, आई माइनस जे प्लस के, सॉरी आई माइनस जे प्लस के, टू आई प्लस जे प्लस, टू आई प्लस जे प्लस टू के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस टू के, टू आई माइनस जे माइनस के, ए टू माइनस आई माइनस जे प्लस के, टू आई प्लस जे प्लस टू के। अब ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब आप क्या करना पड़ेगा, बी वन क्रॉस बी टू की, नाउ गो अहेड बी वन क्रॉस बी टू। अब बी वन क्रॉस बी टू कीजिएगा, B1 क्रॉस B2 आप लेके आइएगा और मोड बाद में लेंगे, ठीक है, करिए इसको आप खुद करेंगे, फिर मैं देखता हूं। अब चेक कर लो, आपको बहुत पढ़ा लगा, एग्जांपल में समझा था, एग्जांपल 11 की तरह है। B1 क्रॉस B2 आपका माइनस थ्री आई प्लस थ्री के आया होगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और इसका तो मारो गोल इसका नाइन हो गया, तो नाइन और नाइन टू इंटू नाइन, तो 9 इंटू टू इंटू नाइन कर लो, 9 इंटू टू कर लो, दैट इज 3 रूट 2 आ गया। अब डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाई मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका तो मैंने सीधा यहां अपेंड उठा के, b1 क्रॉस b2 आपका कहां ये आया, ये पढ़ाई इसका a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो बाई b1 क्रॉस b2। अब ये इसका इसका डॉट प्रोडक्ट आपको आ गया, डॉट प्रोडक्ट में सिंपली स्केलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है, माइनस थ्री इंटू वन जीरो को मार गोली, थ्री इंटू माइनस टू, तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस नाइन आया, डिनोमिनेटर में मोड लगाया, हटा प्लस का आया, डिस्टेंस से पॉजिटिव होता है, कटा हटा फिर कटा, तो थ्री बाई रूट टू, रेशनलाइज किया ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है ना, तो थ्री रूट टू बाई टू यूनिट इज द आंसर। प्यारे बच्चों मैं आपको बोलूँ, ये बहुत ही एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले लग रहे हैं, कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए आप बीच बीच में पोज, यानी आप पोज वाला बटन दबाइए, कीप ऑन टेकिंग रेस्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, फॉर्मूले को ऊपर नजर रखना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में खुद ही हो जाएगा यार मैं कब क्या फॉर्मूला लगाऊँ, ठीक है ना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का, इट वॉज 14 वेरी सिंपल। अब मैं 15 बताता हूँ आपको, 15 है, 16 भी बिल्कुल उसके जैसा, मैं इसको फाइल छोटे किसी प्रकार फूज व्यक्ति को सुना दिया, छोटे प्रकार ओके। 14 एंड 16 सिमिलर है, 14 एंड 16 सिमिलर है, मैं पहले 16 बता देता, खुद कर लो, ठीक है, पहले 14 लिख दो फिर 15 करा दो, 16 आप खुद कर लेना। 15 क्वेश्चन सेम है, लाइन्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो आपके पास एक तो फॉर्मूला डी इक्वल टू क्या होगा, x to minus x1, y to minus determinant, x to minus x1, y to minus y1, z to minus z1, divided by, sorry, second row will be a1, b1, c1, third row is a2, b2, c2, यानी ये x1, y1, z1 आपको क्या मिलेगा, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1 मिलेगा, और x2, y2, z2, 3, 5, 7 मिलेगा, तो x to minus x1 आप कर सकते हैं, y to minus y1, z to minus z1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे a1, b1, c1, 7, minus 6, 1, 1, minus 2, 1, और उसके बाद स्क्वायर रूट ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू होल स्क्वायर स्क्वायर, वो पर मुझे वो पसंद नहीं, ठीक है, आप करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो क्या करूंगा, गिवन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो आपके दो काम एक साथ हो गए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी भी कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट कैसे करते, ठीक है, तो देखिए कन्वर्टिंग into vector form, तो आपकी line वाली, this is line one and this is line two, ठीक है, तो L1 will become R equal to, L2 will become R equal to, वो A1 plus, A1 क्या है, point क्या, minus one, minus one, minus one, तो उसका position vector क्या होगा, minus I, minus J, minus C, minus I, minus J, minus K plus lambda time, एक साथ इसका क्या होगा, पॉइंट इज 3 5 7, तो देयर इज 3 आई
प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू इन समझ आया। फाइंड ले लो 3, 5, 7 और उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होता है a1 और a2। अब लैम्डा b1 मतलब वेक्टर या डायरेक्ट रेशियो 7 - 6 और 1 यानी मैं इसका 7i - 6j प्लस k लाइन वन देखिए ये हो गया i - 2j प्लस k समझ में आया i - 2j प्लस k। अब आप करेंगे प्रोसीड इज क्वेश्चन 14 आपका आंसर मैं खिताब में देके बता देता हूं 15 नंबर है ना 15 2 root 29 ये आपका आंसर ठीक है ना। दिस इज द आंसर करिए खुद कीजिएगा वीडियो को पॉज करके होमवर्क आपका ट्राई सेल्फ खुद करो आप अभी ये a1 और a2 b1 b2 क्या होगा डिस्टेंस मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मोड b1 क्रॉस b2 फिर पूरे का एक मोड करिएगा खूब काफी मजेदार क्वेश्चन 4 नंबर का सवाल आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में जरूर लिख लो बच्चों ठीक है सॉरी 16th क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट डिस्टेंस का लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म तो बिल्कुल ऐसा ही है अभी मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है आप क्वेश्चन 14 की तरह करेंगे योर आंसर विल बी 3/√19 आप खुद करेंगे 4 मिनट या 5 मिनट हो सकता 6 मिनट भी लगे बिकॉज 4 नंबर का क्वेश्चन आता एक क्वेश्चन पक्का आता पक्का ठीक है लिख दिया ये आंसर नोट कर लो और वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर लो ठीक है बच्चों कर लो फटाफट लिख लो इसको है पॉज करके लिख दो बहुत अच्छे बच्चे चलिए मैंने आंसर नीचे लिख दिया नहीं तो सोचेंगे आंसर पहले लिखा क्वेश्चन बाद में लिखा कॉपी कर लो इसको कॉपी क्या करना है इसको सॉल्यूशन करो 17th क्वेश्चन फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ये वेक्टर फॉर्म है अब आपने ऐसी लाइन में कभी आज तक देखी नहीं आपको ए प्लस ए वन प्लस लेमडा बी और ए टू प्लस म्यू बी टू होता है यहां पर लफड़ा ही है कुछ एक चीज 1 - t (i) प्लस t - 2 (j) प्लस 3 - 2k (2t)(k) लाइन 2s + 1 (i) 2s - 1 (j) - 2s + 1 (k) एक काम करते हैं इनको मैं लाइन को दोबारा लिखता हूं रीराइटिंग द फॉलोइंग लाइंस मैं L1 दोबारा लिखता हूं I J K अलग कर ले तो यहां इस ब्रैकेट को खोलो तो I मिला T वाला छोड़ दो T वाला टर्म्स करते नहीं T वाला इंटरैक्ट बाद में करेंगे इसको ब्रैकेट खोला I इसको ब्रैकेट खोला तो -2j यहां पे ब्रैकेट खोला है तो +3k ओनली यानी बिना T वाला I - 2j + 3k अब टी वाला कितना -3i याद हो मेरा अपने लिया दिस इज रफ फॉर मी -3i प्लस टी और -2tk ये बात समझ में भाई यहां टी वाली चीजें -3i प्लस टीजे -2tk अब इसमें हम टी कॉमन ले लें टी कॉमन ले लूं -i प्लस जे -2k ये बात समझ भाई ये चीज यहां देखिए प्लस टी क्या होगा -i प्लस जे -2k कहीं गलती है तो ठीक करो ठीक है ना अब ये लाइन ए प्लस लैम्डा लैम्डा की जगह लैम्डा टी आ गया ठीक है L2 क्या होगा I वाली चीज है I -j एंड माइनस बाहर है तो -k ठीक है अब वो S वाली चीज है S I S S कॉमन है ना सीधा कर लो S कॉमन अंदर I आ गया S कॉमन आ गया
तो टू जे आ गया, तो आप समझदार हो गए, इधर एस कॉमन अंदर हो गया माइनस टू के। अब एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूं फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है ना। ये ए वन प्लस लेमडा बी वन और ए टू प्लस म्यू बी टू, लेमडा की जगह टी है और यहां म्यू की जगह, ये ए वन है और ये ए वन है और ये ए टू है, ये बी वन है और बी टू। एक बार मैं चेक करता हूं फिर आप आगे करना, ठीक है ना। लेट मी गिव यू ग्रीन सिग्नल वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, द कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आजकल आता है इंपॉर्टेंट मान लाइफ, ठीक है ना, वो कहीं भी तो कहीं भी आपको डराने के लिए, बाकी है दुनिया को। तो यहां पे मैं थोड़ा हिंट देता हूं, यहां पे क्या ए वन क्या आपके पास, ए टू क्या है, ए वन आपके पास ये आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ए टू ये वाला हो गया आई माइनस जे माइनस के, करेक्ट। तो ए टू माइनस ए वन आप लिखा लेना, ए टू माइनस ए वन आप खुद कर लेना, ठीक है। फिर बी वन क्या आपके पास, विजिबल ये वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है, ए वन ए टू, बी वन कितना है आई माइनस जे बी वन माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, व्हाट इज योर बी टू, बी टू माइनस टू के, ठीक है, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है, ये बी टू हो गया, बी टू आ रहा है, बी टू दो, मम्मी बोलती है अपने बेटे को बी टू जब दूध नहीं पीता, ठीक है, तो बी वन बी टू हो गया, ओके। ए टू माइनस वन में नहीं तो आपके लिए आई माइनस ए मर गया, दिस इज जे एंड माइनस फोर के, ठीक है। लेट मी वेरीफाई द कैलकुलेशंस, करेक्ट है, कैलकुलेशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बी वन क्रॉस बी टू आप चेक करेंगे, इट इज टू आई माइनस फोर जे माइनस थ्री के। अब प्यारे बच्चों बी वन डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू ये पड़ा, बी वन क्रॉस बी टू ये, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, अभी मैं आपको खुद कर थोड़ा करेंगे, मेरे खुद कीजिएगा, ये हो जाएगा टू इंटू जीरो है खत्म है, आई है ना उधर आई नहीं है, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर है प्लस बारह हो जाएगा, ओके क्या करें छोड़ में, माइनस फोर प्लस बारह जीरो हो जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू ये कितना हो जाएगा फोर सिक्सटीन और नाइन, दिस विल गिव बीस और रूट ट्वेंटी नाइन, कुल मिला के बाहर आएगा दिस विल बी एट बाई रूट ट्वेंटी नाइन, थोड़ा इसको आराम से करना, दिस इज आंसर, इज आंसर। प्यारे बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 11.2 था, इक्वेशन लाइन का भी बड़ी एक्सरसाइज थी, वीडियो को मैं तो बोलूंगा अगर आपको कंसेप्ट कम समझ में आ रहा फॉर्मूले वापस याद कर लो, एक बार वीडियो को वापस देखो, ठीक है। व्हाइल वॉचिंग द वीडियो प्लीज नोट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होल एक्सरसाइज, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।